तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम है डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन, और इस चैप्टर के हम दो लेक्चर अपने कंप्लीट कर चुके हैं और ये वाला इसका थर्ड लेक्चर है। आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम क्या पढ़ रहे थे, हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, बेसिकली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमें सिर्फ दो ही चीजें पढ़नी थी। एक एलिमेंट्री कैनाल को हमें पढ़ना था, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को हमें पढ़ना था। और एलिमेंट्री कैनाल को हम बिल्कुल कंप्लीट तरीके से पढ़ चुके हैं, है ना, जिसमें हमने माउथ, फेरिंग्स, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और वो सब देखा, उसका हमने ट्रांसवर्स सेक्शन भी देखा था। ठीक है, अब यहां तक क्या है, हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, किस फ्लो में पढ़ना है, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हम पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे पैनक्रियास, उसके बाद हम पढ़ेंगे पेनक्रियाज, उसके बाद हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक यानी गैस्ट्रिक जो वर्ड होता है वो स्टमक के लिए यूज होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, और सबसे लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, लीवर। लीवर हाँ, तो ये चीजें अपने को पढ़ने हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियाज, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स एंड लीवर, ये अपने को पढ़ना है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किसके साथ, सलाइवरी ग्लैंड्स के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिर हम पेनक्रियाज पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे और फिर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किसके साथ, सलाइवरी ग्लैंड्स के साथ, सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं ताकि ये थोड़ा खुश हो जाएगा। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स कितने होते हैं, देखो पूरे तरीके से, जिस तरीके से, जिस फ्लो में मैं आपको पढ़ाता हूं ना, जिस तरीके से मैं बोलता हूं, जिस तरीके से लिखता हूं, एक एक चीज को वैसे ही समझना है, वैसे ही याद करना है, क्योंकि एक एक पॉइंट मैं यहां एनसीईआरटी का उठाऊंगा। ठीक है, देखो सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे पास कितने होते हैं, थ्री पेयर्स होते हैं, थ्री पेयर्स होते हैं। अब थ्री पेयर्स कैसे होते हैं, लोग तीन पार्ट में इनको डिवाइड कर देते हैं, तीन टाइप के होते हैं और तीनों एक एक पेयर होते हैं। आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, अभी आ जाएंगी। ठीक है, तो तीन पेयर होते हैं, कौन से होते हैं, एक तो होते हैं पैरोटिड, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, एक होते हैं सब मैंडिबुलर, एक होते हैं सब मैंडिबुलर, और तीसरे टाइप के कौन से होते हैं, सब लिंगुअल, सब लिंगुअल। ठीक है, तो कैसे होते हैं थ्री पेयर्स, कैसे होते हैं, मतलब दो ये होंगे, दो मतलब एक पेयर ये हो जाएंगे, दो ये होंगे, एक पेयर ये हो जाएंगे, दो ये होंगे, एक पेयर ये हो जाएंगे, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, तो कितने हो गए अपने टोटल, तीन पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड यहां पे बन चुके हैं। होते कैसे हैं, देखो जैसे अपनी आंखें होती हैं, एक राइट साइड में आंख है अपनी, एक लेफ्ट साइड में है, जैसे अपने कान है, ईयर्स है, एक लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में, ना पेयर में होते हैं। जैसे अपने हाथ है, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, है ना, पेयर में होते हैं, हाथ, पैर, कान, आंख, सब कुछ। ऐसे ही ये सलाइवरी ग्लैंड है, एक लेफ्ट साइड वाला, एक राइट साइड वाला, ना पेयर में ये होते हैं। ठीक है, इतनी बात अपने को समझ में आ चुकी है। अब यहां पे इनके अलावा कुछ थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट है, जैसे इनकी डक्ट्स जो होती हैं वो अपने को याद करनी है, किसकी कौन सी डक्ट्स हैं, और इनको समझना है थोड़ा कौन कहां पे प्रेजेंट होता है। जैसे कि पैरोटिड जो है वो कहां प्रेजेंट होते हैं, अगर इनकी पोजिशन की बात की जाए तो बिलो, बिलो चीक्स, बिलो चीक्स। चीक्स क्या होते हैं, इंसान के गाल होते हैं ना, बिलो चीक्स, ये इनकी पोजीशन है। सब मैंडिबुलर की बात करें तो ये तो नाम से ही पता लग रहा है, सब मतलब नीचे, किसके, मैंडिबुलर मतलब मैंडिबल, है ना, बिलो मैंडिबल। मैंडिबल क्या होती है, अपनी जो बोन होती है ना, लोअर जो वाली बोन होती है, बिलो मैंडिबल। सब मतलब नीचे, किसके नीचे, मैंडिबुलर मतलब मैंडिबल के नीचे, सिंपल सी बात है।
और ये देखो सब मतलब होता है नीचे, लिंगुअल मतलब क्या होता है टंग, ये किसके रिलेटेड है, टंग के रिलेटेड है। देखो आपने सुना होगा लैंग्वेज, लैंग्वेज लैंग्वेज वर्ड कहां से आया, जबान, जबान से ही तो आया। कौन कितनी जबान बोल सकता है, कौन कितनी लैंग्वेज बोल सकता है, जैसे बायलिंगुअल मतलब जो दो लैंग्वेज बोल सकता है, तो ये वर्ड जबान से आया है यानी टंग से आया है। तो सब मतलब क्या होगा बिलो, लिंगुअल मतलब टंग हो जाएगा, लिंगुअल मतलब टंग हो जाएगा, मतलब ये टंग के नीचे, ये चीक्स के नीचे, ये मैंडिबल यानी जो बोन के नीचे है ना, लोअर जो वाली जो बोन होती है, और ये किसके नीचे, बिलो टंग, ये टंग के नीचे। अब अपने को इनकी डक्ट्स याद करनी रहती है। देखो ये देख लो एक बार, ओवरव्यू देख लो, ये अपना हो चुका है। अब अपने को इनकी डक्ट्स याद करनी है, एनसीईआरटी में नहीं दी हुई पर हम उनको याद करेंगे क्योंकि कई बार पूछ ली जाती है। अब डक्ट्स याद करने के लिए मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा। देखिए सब तो देखो नॉर्मल लिखा हुआ है, सब तो है ना, सब का तो यहाँ पे कोई इस तरीके से ट्रिक में अपने को मतलब नहीं मिलेगा। तो ट्रिक कैसे बनेगी, देखो यहां से आप पी उठा लो, यहां से पी उठा लो, यहां से एम उठा लो, यहां से एल उठा लो, यहां से हमने P उठा लिया, यहां से M उठा लिया, यहां से L उठा लिया ना, अपने को याद आ जाएगा P फॉर पैरोटिड था, M फॉर मैंडिबुलर था, L फॉर लिंगुअल था, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब M का मतलब यहां क्या है, M का मतलब है कोई इंसान जिसका नाम है मनोज, कोई इंसान जिसका नाम है मनोज। P से क्या है, P से क्या है, मनोज की, ये जो इंसान है मनोज, इसी की वाइफ है, मनोज की क्या है, यहां दिखा देते हैं इस तरीके से, मनोज की ही वाइफ है कौन, P4 पूनम, पूनम या कुछ भी कर सकते हो, आपके जो फेवरेट नाम हो, पूनम शर्मा, पूनम शर्मा भाई इसकी वाइफ है, मनोज की वाइफ है। और पूनम शर्मा जो है उसे बहुत ज्यादा क्या है, L4 लव है, लव है, प्यार है, किससे, नदियों से, नदियों से उसको प्यार है, मतलब रिवर से उसको प्यार है, रिवर से उसको प्यार है। अब इसी चीज को मैं यहां लिख देता हूं, देखो मनोज की, मनोज की क्या है, वाइफ है, कौन है, पूनम शर्मा, मनोज की वाइफ है पूनम शर्मा, जिसे लव यानी प्यार है किससे, रिवर से। ठीक है, एक बार फिर से, मनोज की वाइफ है पूनम शर्मा, जिसे लव यानी प्यार है रिवर से। अब एम से क्या आ जाएगा यहां अपना, एम से क्या आ जाएगा, मैंडिबुलर वाला, मैंडिबुलर वाले सलाइवरी ग्लैंड। पी से क्या आ जाएंगे, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, ये पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। एल से क्या आ जाएंगे, लिंगुअल वाले, सब लिंगुअल आ जाएंगे। अब इनकी डक्ट का नाम आ गया, देखो डब्ल्यू से क्या बन गया, वार्टन, तो मैंडिबुलर वाले की डक्ट कौन सी होती है, वार्टन्स डक्ट, वार्टन्स डक्ट। पैरोटिड वाले की एस फोर कौन सी हो जाएगी, स्टेंशन डक्ट, स्टेंशन, इसकी स्टेंशन डक्ट। लिंगुअल वाले की हो जाएगी रिविनस, लिंगुअल वाले की हो जाएगी रिविनस। तो ये इनकी डक्ट हो गई, ये इनकी अडक्ट हो गई। ट्रिक क्या बोलती है अपनी, ट्रिक क्या बोलती है, ट्रिक क्या बोलती है कि मनोज, मनोज की वाइफ जिसका नाम है पूनम शर्मा, उसको लव है किससे, रिवर से, नदियों से उसको प्यार है। तो मैंडिबुलर की डक्ट कौन सी होगी, वार्टन्स डक्ट हो गई, पैरोटिड की स्टेंशन डक्ट हो गई, लिंगुअल की क्या होगी है ना, रिविनस डक्ट हो गई है ना। ये अपना सलाइवरी ग्लैंड में आपको इससे ज्यादा कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है। सलाइवरी ग्लैंड तीन पेयर होते हैं, कौन से, तीन टाइप के, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल है ना, पेयर में होते हैं, दो ये दो ये दो ये, मतलब टोटल सिक्स होते हैं, तीन पेयर मतलब टोटल सिक्स होते हैं। पैरोटिड मतलब बिलो चीक्स होता है, सब मैंडिबुलर मतलब ये मैंडिबल के नीचे होता है, और सब लिंगुअल ये टंग के नीचे होता है। और इनकी डक्ट हमने देख ली, डक्ट कैसे याद की, कि मनोज की वाइफ पूनम शर्मा, जिसको लव है रिवर से, मैंडिबुलर की वार्टन्स डक्ट, पैरोटिड की स्टेंशन डक्ट, और लिंगुअल की रिविनस डक्ट। इससे ज्यादा आपको सलाइवरी ग्लैंड के बारे में कुछ भी याद नहीं करना है, ये अपने लिए मोर देन सफिशियंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हम सलाइवरी ग्लैंड के बाद क्या पढ़ने वाले हैं, सलाइवरी ग्लैंड के बाद देखो, अब सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड है तो ये क्या करेंगे, सलाइवा, ये क्या सिक्रीट करेंगे, इनका काम क्या है, सलाइवा की सिक्रीशन करना। जाहिर सी बात है सलाइवरी ग्लैंड नाम में ही आ रहा है, ये सलाइवा की सिक्रीशन करेंगे। अब हमें इस सलाइवा के बारे में पढ़ना है कि आखिर इस सलाइवा के अंदर क्या क्या होता है, हमें पढ़ना है सलाइवा के बारे में, हमें पढ़ना है सलाइवा के बारे में। सलाइवा में थोड़ा सा ऐसे ऐसे पीला हाईलाइट कर देते हैं ताकि बेचारा खुश हो जाए कि मैं भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हूं। ठीक है, तो सलाइवा के बारे में कुछ कॉमन सवाल आएंगे। पहला सवाल आएगा कि कितना रिलीज होता है एक दिन में, कि रिलीज्ड, रिलीज्ड पर डे,
कितना होता है, इसका सवाल का जवाब हमें देना है, ठीक है। और दूसरा सवाल क्या आएगा कि सलाइवा की पीएच कितनी होती है, सलाइवा की पीएच कितनी होती है, एक ये सवाल आएगा। तीसरा सवाल आएगा कि सलाइवा की कॉम्पोजिशन क्या होती है, कॉम्पोजिशन मतलब सलाइवा में क्या क्या होता है ना, पानी होता है, क्या होता है, प्रोटीन, विटामिन क्या होता है, आखिर हमें वो देखना पड़ेगा, कॉम्पोजिशन सलाइवा की क्या रहती है। तो अब इन सवालों के मैं जवाब देने जा रहा हूं। रिलीज्ड पर डे मतलब जो सलाइवा है वो एक दिन में कितना रिलीज होता है, तो 0.5 to 1.5 लीटर पर डे, एक दिन में इतना सलाइवा हमारे ना माउथ में इतना बनता है, सलाइवरी ग्लैंड जिसको सिक्रेट करते हैं। पीएच की बात की जाए तो सलाइवा की पीएच होती है 6.8, स्लाइटली एसिडिक साइड। देखो यहीं पे मैं आपको एक बात यहीं पे कवर कर देता हूं, यहां पे थोड़ा यहां जूम करके देखो, पीएच का जो सवाल आपसे पूछा जाएगा ना डाइजेशन वाले चैप्टर में, वो तीन ही जगह पे पूछा जाएगा, तीन ही जगह पे। एक तो आपसे पूछा जाएगा सलाइवा में, एक आपसे पूछा जाएगा स्टमक के अंदर, एक पूछा जाएगा इंटेस्टाइन के, इंटेस्टाइन भी मोर प्रेफरेबली स्मॉल इंटेस्टाइन की बात होती है, सलाइवा स्टमक इंटेस्टाइन यही अपने से पूछा जाता है। और इंटेस्टाइन में ही किसके, पेनक्रियाज के एंजाइम आते हैं, तो पेनक्रियाज वाले एंजाइम का भी यहां पे आप कंसीडर कर सकते हो इंटेस्टाइन में। देखो सलाइवा की पीएच कितनी होती है, स्लाइटली एसिडिक 6.8 जो अभी अभी हमने देखी, स्लाइटली एसिडिक। स्टमक की बात की जाए तो स्टमक में क्या होता है, HCl होता है, और HCl की वजह से यहां की पीएच हाईली एसिडिक होती है। हाईली एसिडिक मतलब इसकी रेंज ले सकते हो आप 1.5 to 3.5, ये आप स्टमक की रेंज ले सकते हो, हाईली एसिडिक है, हाईली एसिडिक है ना, 3.3 के आसपास लगा के चलो आप, ठीक है। इंटेस्टाइन में बात की जाए तो यहां की पीएच कैसी होती है, एल्कलाइन होती है, यहां पे आप लगा के चलो, हम मान लो ड्यूडनम की बात कर रहे हैं, पैनक्रियाज के एंजाइम भी लगा लो इसी में, मतलब एल्कलाइन साइड आएंगी बातें सारी 7.8 के लगभग, ठीक है। यहां क्या है, स्लाइटली एसिडिक है, यहां हाईली एसिडिक है, और यहां पे क्या है, एल्कलाइन है। इससे अलग इस चैप्टर में पीएच का सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पीएच के बारे में भी देख लिया, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने द्वारा टॉपिक पे, यहां से इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है आंखों के लिए, है ना, थोड़ा ऐसा लग रहा है ना बीच में घुस गया अपने टॉपिक के, कोई नहीं हम मिटा देंगे, अपना क्या जा रहा है, फ्री की है अपनी रबड़, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन की अब हम बात कर रहे हैं, पीएच हो गया और रिलीज्ड पर डे ये भी हो गया, कॉम्पोजिशन की अब हम बात कर रहे हैं कि कितना क्या क्या सलाइवा में होता है। देखिए 99.5% सलाइवा के अंदर क्या होता है, वाटर यानी पानी होता है, और ये बात अपने को फील भी होती है ना, जो हमारे मुंह में है, मान लो हम थूक देते हैं तो उसमें मान ली मेनली पानी ही होता है मेनली उसमें, ठीक है। प्लस अब 99.5% तो ये रह गया, ठीक है, और 0.5% बच गया ना, अब 99.5% तो पानी है, अब बच गया कितना 0.5%, इसमें क्या आ जाएंगे, अदर्स आ जाएंगे, इसमें अदर्स मतलब बाकी का माल मसाला सब कुछ इसी में आ जाता है। अब ये अदर्स में आखिर क्या क्या है, अदर्स में क्या क्या है, अपनी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। तो मैं यहां पे 0.5% जो हमने अदर्स किया था, अदर्स है ना, कि पानी के अलावा क्या क्या है, उसको हम यहाँ पे बॉक्स में बंद कर देते हैं कि इसमें आखिर क्या क्या है वो हम देखना चाहते हैं। इसको थोड़ा सा और मोटा कर देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा सा लगे, 0.5%, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है वो हम देखना अब चाहते हैं, तो इसमें किस तरीके से देखेंगे, नंबर एक पॉइंट आपको यहां मिलेगा, नंबर दो पॉइंट आपको यहां मिलेगा, नंबर तीन पॉइंट आपको यहां मिलेगा, नंबर चार पॉइंट आपको यहां मिलेगा, और नंबर पांच पॉइंट कॉन्ट्रोवर्शियल है, याद रखना चाहो तो रख लेना, वरना चार भी बहुत है, इसमें अपनी एनसीईआरटी पूरी कवर हो ही जाएगी चार पॉइंट में। अब कौन से पॉइंट है उसकी बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि ये 0.5% में क्या क्या आएगा, सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट है एंजाइम्स,
इस सलाइवा के अंदर क्या क्या पाए जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाएंगे और एंजाइम्स पाए जाएंगे। तीसरा पॉइंट है एंटीबैक्टीरियल्स, तीसरा पॉइंट है एंटी बैक्टीरियल, एंटी बैक्टीरियल है ना। फोर्थ पॉइंट है म्यूकस, फोर्थ पॉइंट है म्यूकस। और फिफ्थ पॉइंट है यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये याद रखना है तो रख लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत यूरिया एंड यूरिक एसिड भी इसमें होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हैं, एंजाइम कौन से हैं, एंटीबैक्टीरियल कौन से हैं, म्यूकस में क्या है, ये भी अपनी एनसीईआरटी में अच्छा खासा ठीक ठाक दिया हुआ है, तो अपने को भी देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सलाइवा के अंदर क्या क्या होते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन और क्या बाइकार्बोनेट आयन, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट सलाइवा के अंदर पाए जाएंगे। एनसीईआरटी में ठीक इसी तरीके से लिखा है। और यहां मैं क्लोराइड आयन जो है उसके नीचे रेड कलर के यहां पे इस तरीके से मार्किंग कर देता हूं, क्योंकि है ये मैं आपको बताऊंगा। तो इलेक्ट्रोलाइट में इससे ज्यादा आपको कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है। अब एंजाइम की बात करते हैं, तो कौन सा एंजाइम पाया जाता है सलाइवा के अंदर, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, सलाइवरी सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। देखो यहां पे एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, अभी हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं, तो जो भी एंजाइम के नाम आएंगे ना, जैसे सलाइवरी अमाइलेज, अमाइलेज का क्या मतलब है, लाइपेज का क्या मतलब है, पैनक्रियाज पढ़ेंगे तो उसमें कौन से एंजाइम आएंगे, तो बिल्कुल इस चीज को अभी बिल्कुल भूल जाओ, है ना, ध्यान ही मत दो, खाली ये देखो कि कौन सा एंजाइम है, क्या है ना, उसका क्या फंक्शन है, कैसे है, कहाँ पे यूज होगा, कहाँ से निकला है, वो हम जब डाइजेशन पढ़ेंगे ना वहां मैं बिल्कुल इनको एक जगह पे आपको कलेक्ट करके एक जगह पे पढ़ा दूंगा। तो अभी जो भी एंजाइम नाम आएगा बस उसको खाली देख लीजिए कि ये एंजाइम का नाम है, खत्म, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। अब जैसे सलाइवरी अमाइलेज है, ये क्या करता होगा, कहां करता होगा, कैसे करता होगा, क्या इसका फंक्शन है, कुछ भी मत सोचिए, जब डाइजेशन पढ़ाऊंगा डिटेल में बिल्कुल आसानी से सारे एंजाइम को एक जगह पे करा दूंगा, इनका नाम कैसे लिखा जाता है ना, ये अमाइलेज का क्या मतलब है, सब मैं बता दूंगा, ठीक है। बस यहां पे इतना सा याद रखिए कि यहां पे सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होता है और इसी का दूसरा नाम होता है टाइलिन, टाइलिन टायलिन कुछ भी बोल सकते हो, बस ये स्पेलिंग याद रखना, स्पेलिंग मतलब नाम याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया एंजाइम वाली बात हो गई, ठीक है। अब हो गए एंटीबैक्टीरियल, और एंटीबैक्टीरियल में यहां क्या पाए जाएंगे, लाइजोजाइम्स पाए जाएंगे, लाइजोजाइम्स। और ये तो कॉमन सेंस की बात है कि एंजाइम है तो डाइजेशन में काम आएगा और एंटीबैक्टीरियल है, लाइजोजाइम्स है, तो ये फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कुत्ता है बिल्ली है उनको जब चोट लग जाती है तो वो अपनी चोट को अपनी जीभ से चाटते हैं, क्यों, क्योंकि है ना उनके सलाइवा वहां पे लग जाता है और सलाइवा में क्या होते हैं, एंटीबैक्टीरियल होते हैं, तो वो चोट पे फिर है ना फायदा होगा। ऐसे ही हमारे अगर चोट लग जाए, अगर कोई भी दवाई नहीं है, हम तो वैसे दवाई लगा लेते हैं पर दवाई नहीं है, अगर सलाइवा का भी इस्तेमाल कर दें तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसमें एंटीबैक्टीरियल है, लाइजोजाइम्स है, और ये लाइजोजाइम जो वर्ड है ये एनसीईआरटी में लिखा गया है। अब आ गई म्यूकस की बात, अभी म्यूकस क्या करेगा सलाइवा के अंदर, म्यूकस का क्या काम है, लुब्रिकेशन, म्यूकस का क्या काम है, लुब्रिकेशन ऑफ किसका, ऑफ फूड, सिंपल सी बात है। इसका एक एक एग्जाम्पल बताता हूं कि हम यहां बोल रहे हैं कि सलाइवा के अंदर म्यूकस होता है और वो क्या करता है, लुब्रिकेशन ऑफ फूड करता है। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूं, देखो मान लीजिए हम कोई रूखी सूखी चीज खाते हैं, मान लो नमकीन हमने खाई या बादाम हमने खाया है ना, या रोटी हमने खाई या बिस्किट हमने खाया, रूखी सूखी चीज खाई ना, उसको हम माउथ में मुंह में ले गए, फिर हमने उसको चबाया अच्छे से है ना, फिर हमारे माउथ में जो सलाइवा है उसके साथ मिल जाएगी, फिर अगर हम उस खाने को थूक देते हैं बाहर है ना, स्पिट कर देते हैं, तो आप देखना वो रूखी सूखी चीज भी है ना बिल्कुल चिपचिपी सी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि सलाइवा के अंदर क्या था, म्यूकस था, म्यूकस उसके साथ मिल गया है और उसको चिपचिपा उसने बना दिया है। तो ये एक सबूत भी है कि म्यूकस सलाइवा के अंदर होता है,
ठीक है। और यूरिया एंड यूरिक एसिड वाला पॉइंट तो मैंने बोला था, याद रखना है तो रख लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये तो अपने को याद रखने ही है कौन से कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसके अंदर ना, किसके अंदर, सलाइवा के अंदर, जो 0.5% वाला पार्ट है। एंजाइम्स होते हैं कौन से, सलाइवरी अमाइलेज, एंटीबैक्टीरियल होते हैं लाइजोजाइम्स, म्यूकस होते हैं लुब्रिकेशन जो करते हैं। अब यहां पे एक बात ध्यान दीजिए, मैंने बोला था कि मैंने क्लोराइड आयन पे क्या लगाया है, रेड कलर का डॉट लगाया था, है ना। क्यों लगाया था, क्योंकि ये जो एंजाइम है ना सलाइवरी अमाइलेज, इसकी एक्टिविटी के लिए, बस इतना याद रखना, इस एंजाइम की एक्टिविटी के लिए क्लोराइड आयन बहुत जरूरी होता है। ये बात आपको याद रखनी है, कहीं आपसे पूछ ली जाए, बाकी इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। ये आपका पूरा कंप्लीट है, सलाइवरी ग्लैंड और ये सलाइवा वाला टॉपिक कंप्लीट है, इससे अलग कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, ये कंप्लीट है, ठीक है। अब हमको नेक्स्ट नेक्स्ट वाले ग्लैंड पे पढ़ना पड़ेगा, सलाइवरी ग्लैंड कौन से अपने कंप्लीट हो चुके हैं, नेक्स्ट ग्लैंड पे पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है पैनक्रियास, जिसका नाम है पैनक्रियास। पैनक्रियास इसको थोड़ा रंग दे कर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए हमें सबसे पहले पैनक्रियाज की लोकेशन की बात करनी पड़ेगी, है ना, कि आखिरकार पैनक्रियाज होता कहाँ पे है। हमें ये पता चलेगा कि ये चीज कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तभी तो उसको हम पढ़ पाएंगे। तो थोड़ी खाली जगह देख लेते हैं, ये लीजिए खाली जगह हमने अब बना ली। देखो याद करो, हम ड्यूडनम पढ़ रहे थे, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने ड्यूडनम पढ़ी थी, ड्यूडनम, जियोजनम, इलियम। तो हमने बात की थी कि जो ड्यूडनम होती है वो सी शेप होती है, कुछ इस तरीके से, है ना, ये सी शेप, ए बी सी, वो वाला सी, ठीक है, सी बन रहा है, सी शेप होती है। हाँ, अब क्या बोलती है एनसीईआरटी कि ड्यूडनम के दो लिंब, यानी देखो एक लिंब ये इस तरीके से बन रहा है, एक लिंब, और ये एक लिंब बन रहा है। ड्यूडनम के दो लिंब्स के बीच में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम पैनक्रियाज बुलाते हैं। पैनक्रियाज भाई साहब ड्यूडनम के सी शेप, ड्यूडनम के लिंब्स के बीच में प्रेजेंट है, ये बात एनसीईआरटी में लिखी गई है और आपको ये बात याद रखनी है हर हाल में। अब ये लोकेशन वाली चीज यहां से मिटा देते हैं ताकि हमें ये डिस्टर्ब ना करे। अब हम पैनक्रियाज पे आ जाते हैं। देखिए पैनक्रियाज को मैं यहां पे जिस तरीके से अब पढ़ाऊंगा ना, मैं शायद ही, है ना, शायद ही बोलूंगा, शायद ही आपने उस तरीके से पैनक्रियाज को देखा हो या पढ़ा हो, है ना, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। बीच में क्या घूम रहा है आज ये बफर वाला, पता नहीं ऐसे करता हूं तो बीच में थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, पता नहीं कैसे होता है। हाँ चल रहा, ठीक, कोई बात नहीं, अब नहीं आया, ठीक है। तो हम पैनक्रियाज अब पढ़ने जा रहे हैं। देखो पैनक्रियाज जो है ना वो एक हेटरोक्राइन ग्लैंड है, वो एक हेटरोक्राइन ग्लैंड है। अब हेटरोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है, देखिए अगर कोई ग्लैंड, मान लो थायराइड ग्लैंड है, वो पूरे तरीके से एंडोक्राइन है तो वो होमोक्राइन हो जाएगा, या ऐसा कुछ नाम ही नहीं होता, है ना। या फिर कोई ग्लैंड है जो पूरे तरीके से एक्सोक्राइन है, है ना, उसको भी हम क्या बोल देंगे, होमोक्राइन नाम दे सकते हैं। बट ऐसा कोई ग्लैंड जिसमें एक्सोक्राइन का पोर्शन भी हो और एंडोक्राइन का पोर्शन भी हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हेटरोक्राइन ग्लैंड बोल देते हैं। तो पैनक्रियाज एक हेटरोक्राइन ग्लैंड है। हेटरोक्राइन मतलब इसमें दो तरीके की चीजें हैं, इसमें एक्सोक्राइन पोर्शन भी है, इसमें एक्सोक्राइन पोर्शन भी है और इसमें एंडोक्राइन पोर्शन भी है, इसमें एंडोक्राइन पोर्शन भी है, ठीक है। अब एंडोक्राइन पोर्शन कितना है, ये एंडोक्राइन पोर्शन कितना है, एक्सोक्राइन पोर्शन कितना है, ये भी एक बेहतरीन चीज है। जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है वो ऑलमोस्ट 99% होता है, एक मजे की बात है, और एंडोक्राइन जो पोर्शन होता है वो लगभग 1% में ही सिमट कर रह जाता है, लगभग 1% में ही, ठीक है। अब देखिए आगे किस तरीके से हम बात करेंगे, जो एक्सोक्राइन, दोनों की यूनिट्स की हम बात करेंगे कि एक्सोक्राइन जो पोर्शन है उसकी यूनिट्स को क्या बोलते हैं, उसकी यूनिट्स को क्या बोलते हैं। सेम बात हम यहां करेंगे कि जो एंडोक्राइन पोर्शन है उसकी यूनिट्स को क्या बोलते हैं, कि कौन सी यूनिट से मिलके वो बना है।
तो जो एक्सोक्राइन पोर्शन है उसकी यूनिट्स को हम एसिनी बोलते हैं, एसिनी या असाइनी कुछ भी आप बोल सकते हो, एसिनी। और एंडोक्राइन की जो यूनिट्स हैं उनको बोलते हैं इसलेट्स ऑफ लैंगरहंस। नाम थोड़ा अजीब है अंग्रेजी का, इसलेट्स ऑफ लैंगरहंस, ये इसकी यूनिट्स हैं, इसकी एसाइनी और इसकी इसलेट्स ऑफ लैंगरहंस है। ठीक है, अब ये एसाइनी क्या करेंगी, कुछ ना कुछ क्या करेंगी, सिक्रीट करेंगी, कुछ ना कुछ सिक्रीट करेंगी। जाहिर सी बात है एक्सोक्राइन पोर्शन है तो ये एंजाइम्स की सिक्रीशन करती हैं, और जो ये इसलेट्स ऑफ लैंगरहंस है ना, बिल्कुल सिमिलर तरीके से बातें चल रही है, यूनिट्स यूनिट्स, ये भी कुछ सिक्रीट करेंगी, ये भी कुछ क्या करेंगी, सिक्रीट करेंगी, ये भी कुछ सिक्रीट करेंगी। और ये सिक्रीट कैसे करेंगी, उससे पहले हमें इसमें देखना पड़ेगा कि इसलेट्स ऑफ लैंगरहंस में कितने टाइप की सेल होती है। अल्टीमेटली आएगी सिक्रीशन पे ही बात, पर उससे पहले क्या है, हम देखेंगे इसमें सेल्स कितने टाइप की होती हैं। तो इसमें तीन टाइप की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। स्टेप वही है, ये सिक्रीशन ही करेंगी, तीनों टाइप की सेल क्या करेंगी, सिक्रीशन ही करेंगी, सिक्रीट करेंगी। ठीक है, कौन सी सेल है, एक अल्फा सेल होगी, एक बीटा सेल होगी, एक डेल्टा सेल होगी, इसलेट्स ऑफ लैंगरहंस की। तो पहले इसी पोर्शन को निपटा लेते हैं। अल्फा सेल जो होती हैं, अल्फा सेल जो होती हैं वो ग्लूकागोन को सिक्रीट करती हैं, ग्लूकागोन को। देखो एंडोक्राइन पोर्शन है तो हॉर्मोन की सिक्रीशन करेगा, तो ये हॉर्मोन है ग्लूकागोन। बीटा सेल जो होती हैं वो कौन सा हॉर्मोन, इंसुलिन, इंसुलिन को सिक्रीट करती है। अब इनका क्या फंक्शन होता है वो हम हॉर्मोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। डेल्टा सेल जो होती है वो सोमेटोस्टेटिन, वो किसको, सोमेटोस्टेटिन्स को। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या होता है वो हम हॉर्मोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, पहले फ्लो पूरा देख लीजिए। ठीक है, और यहां पे किसकी सिक्रीशन होगी, एसएनई जो है ना एक्सोक्राइन पोर्शन था, तो एंजाइम की सिक्रीशन होगी, और उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, पैनक्रियाटिक जूस बोल देते हैं। पैनक्रियाटिक जूस क्या होगा, मतलब पैनक्रियास के जो भी एंजाइम है वो मिलजुल के जो जूस बना है उसी को हम पैनक्रियाटिक जूस बोल रहे हैं। अब कौन से मैंने क्या बोला था, है ना, वहां पे पढ़ाते हुए बोला था ना कि जो भी एंजाइम है, जैसे पैनक्रियाज के जो भी एंजाइम होंगे, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, वो हम बाद में जब मैं डाइजेशन पढ़ाऊंगा तब एक एक एंजाइम को वहां कराऊंगा, बस अभी यहाँ पे जितना बता रहा हूं उतना ध्यान रखिए। पैनक्रियाटिक जूस यहाँ पे सिक्रीट होगा जो कि डाइजेशन में काम आएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है कि पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस उसको बोला जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। अब ये बात क्यों लिखी गई कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस वाली, देखो हम जो भी फूड खाते हैं ना उसमें मोटे मोटे तरीके पे चार ही चीजें होती हैं, एक प्रोटीन होते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को भी इस चैप्टर में आप स्टार्च लिख के चलो, स्टार्च है ना, ये कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन हो गया, प्रोटीन स्टार्च, फैट्स होते हैं और क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। यही मोटे मोटे चीज पे ये चार चीजें आपको पाई जाएंगी। ठीक है, अब कहीं का भी कोई भी जूस है ना, जैसे गैस्ट्रिक जूस है स्टमक वाला, वहां पे क्या होगा, मान लो प्रोटीन के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है पर मान लो स्टार्च के लिए नहीं है, न्यूक्लिक एसिड के लिए नहीं है, या फिर सलाइवा में क्या है, स्टार्च के लिए है बट प्रोटीन के लिए नहीं है। मतलब क्या कहने चाहते हैं, एक अकेला ये पैनक्रियाटिक जूस ही ऐसा जूस है कि जिसमें हर चीज के लिए एंजाइम है, प्रोटीन के लिए भी एंजाइम है, स्टार्च के लिए भी है, फैट्स के लिए भी है और न्यूक्लिक एसिड के लिए भी है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, मतलब हर तरीके की डाइजेशन ये करवाता है, प्रोटीन भी, स्टार्च भी, फैट भी, न्यूक्लिक एसिड भी, इसीलिए इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोला जाता है। इसमें सारे टाइप के एंजाइम, कौन से एंजाइम होते हैं वो आगे जाके हम देखेंगे।
ठीक है। तो इस चीज को एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्या हमने किया कि पेनक्रियाज एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब है इसमें एक्सोक्राइन पोर्शन भी है, एंडोक्राइन पोर्शन भी है। एक्सोक्राइन पोर्शन कितना है, 99% है, और एंडोक्राइन 1% है। अब एक्सोक्राइन पोर्शन की जो यूनिट्स होती है वो क्या होती है, एसिनी, एसिनी या एसाइनी कुछ भी बोल लो, और एंडोक्राइन पोर्शन की यूनिट्स होती है स्लेट्स ऑफ लैंगरहंस। और स्लेट्स ऑफ लैंगरहंस में कितने हैं, कितने, तीन टाइप की सेल होती है, एक अल्फा सेल, एक बीटा सेल, एक डेल्टा सेल। अल्फा सेल क्या सिक्रीट करती है, ग्लूकागोन, बीटा सेल क्या सिक्रीट करती है, इंसुलिन, और डेल्टा सेल क्या सिक्रीट करती है, सोमेटोस्टेटिन्स। बात खत्म है। इन हॉर्मोन्स का फंक्शन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे हॉर्मोन वाले चैप्टर में। अब इधर आ जाते हैं, जो ये एसाइनी होती है वो क्या सिक्रीट करती है, पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करती है। पैनक्रियाटिक जूस से हमारा मतलब क्या है कि जो भी पेनक्रियास के एंजाइम्स वेंजाइम्स जो भी होते हैं इस जूस में ही छुपे हुए हैं। एंजाइम्स का क्या फंक्शन है, कौन से एंजाइम्स हैं, ये हम आगे जाके डाइजेशन में डिटेल में एक ही जगह पे पढ़ेंगे। और हमने क्या सीखा कि पेनक्रियाटिक जूस कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस इसको क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें हर तरीके के फूड को, मतलब मेनली चार ही चीजें होती हैं, एक प्रोटीन, एक स्टार्च, एक फैट, एक न्यूक्लिक एसिड, मतलब सबको डाइजेस्ट करने के लिए इसमें कुछ ना कुछ अवेलेबल होता है, इसलिए इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस अब बोला गया है। तो पेनक्रियाज के बारे में इसके अलावा आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका कंप्लीट है आपके सामने जो है, और मेरे ख्याल से ये बहुत आसान तरीका है इस तरीके से पेनक्रियाज को पढ़ने का। और पेनक्रियाटिक जूस की पीएच की अगर बात करें, पीएच की तो मैं आपको बता ही चुका था कि इंटेस्टाइन में पूछ ली जाए या पेनक्रियाज में पूछ ली जाए तो आपको स्लाइटली एल्कलाइन बतानी है, कितनी, 7.8 के आसपास आपको बतानी है। स्टमक में एसिडिक बतानी है और सलाइवरी अमाइलेज में कितनी, 6.8, स्लाइटली एसिडिक। तो ये पेनक्रियाज हुआ कंप्लीट। अब हमें बढ़ना पड़ेगा आगे। हाँ, एक बार देख लेते हैं हम कौन से ग्लैंड्स पढ़ रहे थे, मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूं। देखिए, सलाइवरी ग्लैंड हम पढ़ चुके हैं, पेनक्रियाज हम पढ़ चुके हैं, अब हमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। गैस्ट्रिक यानी स्टमक के ग्लैंड, गैस्ट्रिक वर्ड जो यूज होता है वो स्टमक के लिए यूज होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और गैस्ट्रिक वर्ड अपने को पता है किसके लिए यूज होता है, स्टमक के लिए यूज होता है। तो इसमें रंग भर देते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यानी स्टमक के ग्लैंड्स होते क्या हैं, कैसे बनते हैं। हालांकि मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूं कि ये कहां से बनते हैं, कैसे बनते हैं, पर फिर भी एक बार हम उस चीज को रिमाइंड कर लेते हैं ताकि चीजें हमेशा के लिए याद हों, है ना। मैं इन लेक्चर्स में टाइम इसीलिए लगा रहा हूँ आराम आराम से कि एक बार देखें पर हमेशा के लिए देखें, ऐसा नहीं कि, है ना, बार बार हमें काम करना पड़ रहा है, एक बार मेहनत करेंगे वो परमानेंट हो जाएगी, ठीक है। देखो, हमने देखा था कि ये कुछ एलिमेंट्री कैनाल इस तरीके की होती है ना, एक रफ डायग्राम जो कि माउथ से शुरू होती है और एनस पे खत्म होती है ना, और इसी में मान लो यहाँ पे माउथ के बाद यहाँ पे फेरिंग्स आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईसोफेगस आ जाएगा, और मान लेते हैं ये रेड वाला पोर्शन जो है इस कैनाल में ये स्टमक का पोर्शन है। रेड वाला पोर्शन किसका पोर्शन है, स्टमक का पोर्शन है ना। यहां पे क्या आ जाएगी, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगी, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल है। अब अपने को गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पढ़ने हैं, मतलब स्टमक के ग्लैंड्स पढ़ने हैं, मतलब अपने को सिर्फ ये रेड वाले पोर्शन पे फोकस करना है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, देखो हम लेयर पढ़ रहे थे ना, जब हम लेयर पढ़ रहे थे हमने कैसे पढ़ी थी, सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होती है, म्यूकोजा होती है, उसके बाहर सब म्यूकोजा होती है, उसके बाहर मस्कुलरिस होती है, और सबसे बाहर कौन सी होती है, सिरोसा होती है। सबसे अंदर वाली कौन सी थी, म्यूकोजा। सबसे अंदर वाली कौन सी थी, म्यूकोजा। तो मैंने आपको म्यूकोजा के बारे में बताया था कि स्टमक के अंदर म्यूकोजा क्या बना देती है, ऐसे इररेगुलर फोल्ड्स बना देती है। स्टमक के अंदर म्यूकोजा जो है वो इररेगुलर फोल्ड्स बना देती है, और इन इररेगुलर फोल्ड्स को हमने नाम क्या दिया था, इनको नाम क्या दिया था, रुगी।
नाम क्या दिया था? रुगी नाम दिया था इनको। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि इन्हीं रुगी को है ना, जो ये मुकोजा के फोल्ड बने हैं जिनको हमने रुगी बोला है, इन्हीं रुगी को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोला जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, अब जो ये रुगी हैं यानी जो ये फोल्ड हैं म्यूकोजा के, इन्हीं फोल्ड्स में यानी इन्हीं रुगी में, या फिर सीधे तरीके से बोल लें, एक ही बात है घुमा फिरा के, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या होती हैं? तीन टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। कितनी? तीन टाइप की, थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स। तीन टाइप की आपके पास यहां पे सेल पाई जाएंगी। कहां पे? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। ठीक है, यही बेसिकली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बना रही है। अब ये तीन टाइप की सेल कौन सी हैं उनको हम देख लेते हैं। ये पहले टाइप की हो गई अपनी, ये दूसरे टाइप की, और ये तीसरे टाइप की। अब इनका नामकरण कर लेते हैं कि कौन सी ये सेल्स हैं। तो पहले टाइप की सेल है, उनका नाम है म्यूकस नेक सेल। उनका नाम है म्यूकस नेक सेल्स, म्यूकस नेक सेल्स। दूसरे टाइप की जो सेल है उनका नाम है चीफ, उनके तीन नाम है चीफ, या तो आप उनको चीफ सेल बोल सकते हो, और या फिर उन्हीं का दूसरा नाम है पेप्टिक, चीफ सेल या फिर पेप्टिक सेल, या फिर इन्हीं का तीसरा नाम है जाइमोजन, इन्हीं का तीसरा नाम है जाइमोजन। ठीक है, यही इसी के एक ही सेल के तीन नाम है कि या तो आप चीफ सेल बोल सकते हो, या आप पेप्टिक सेल बोल सकते हो, या जाइमोजन सेल बोल सकते हो, और यह क्या है? म्यूकस नेक सेल। ठीक है, और तीसरे टाइप की सेल कौन सी अपने पास आएंगी? पैराइटल, 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 या फिर इसी का दूसरा नाम है ऑक्सेंटिक सेल, ऑक्सेंटिक सेल्स। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। इसी के दूसरे नाम है ना, इसके दो नाम है पैराइटल या फिर ऑक्सेंटिक सेल। बिल्कुल क्लियर है, तीन टाइप की सेल है, म्यूकस नेक सेल है, और दूसरे टाइप की सेल है चीफ, या फिर उसी का दूसरा नाम पेप्टिक, या फिर उसी का दूसरा नाम जाइमोजन सेल, और इधर तीसरे टाइप की सेल है पैराइटल, या फिर उसी का दूसरा नाम ऑक्सेंटिक सेल। अब हम बात करते हैं कि ये जो सेल है ये क्या सिक्रेट करती है, कौन सी सेल क्या सिक्रेट करती है, उसकी बात हमें यहां पे करनी पड़ेगी। देखो, जाहिर सी बात है, म्यूकस नेक सेल तो नाम से ही पता लग रहा है, नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्या है, म्यूकस सिक्रीट करती होगी, म्यूकस सिक्रीट करती होगी। अब म्यूकस का यहां पे फंक्शन क्या है? म्यूकस का देखो, स्टमक के अंदर एचसीएल रिलीज होता है। एचसीएल कहां से होता है वो मैं आगे बताऊंगा, अभी अभी बताऊंगा आपको, बट ये हमें पता है कि एचसीएल रिलीज होता है। अब एचसीएल एक एसिड है, मतलब बहुत है ना, बहुत खतरे वाली कंडीशन है हमारे स्टमक के लिए कि वो एसिड हमारे स्टमक को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमारे खुद के स्टमक को एसिड से बचाने के लिए क्या काम आती है? म्यूकस काम आती है। क्या प्रोटेक्शन, क्या फंक्शन है इसका? प्रोटेक्शन फ्रॉम एचसीएल। और एचसीएल क्यों? क्योंकि उसकी हाईली कैसी कंडीशन है? एसिडिक कंडीशन है, मतलब ये हाईली एसिडिक कंडीशन से स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। ये बात यहां पे खत्म हो गई। अब हमें बात करनी पड़ेगी चीफ और पेप्टिक और जाइमोजन सेल के बारे में। ठीक है, तो ये जो सेल है चीफ, पेप्टिक, जाइमोजन, ये क्या सिक्रीट करती हैं? ये दो आपको याद रखने हैं, दो एंजाइम, एक तो पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, एक आपको याद रखना है प्रोरेनिन, प्रो रहने। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात बोली थी कि एंजाइम का सिर्फ आप नाम देख लो, यहां पे कौन सा कहां से हो रहा है ना, उस एंजाइम का क्या फंक्शन है, कहां पे वो काम आएगा, ये मैं जब डाइजेशन बताऊंगा ना आपको, एक एक एंजाइम वहां पे हम कवर कर लेंगे, बस इतना याद रख लीजिए, यहां पे ये रिलीज होते हैं। ठीक है, अब फंक्शन वैसे थोड़ा सा बता देता हूं, पेप्सिनोजन का फंक्शन होता है प्रोटीन की डाइजेशन में काम आता है, और अब प्रोरेनिन का थोड़ा सा यहीं पे हम लिख लेते हैं, पेप्सिनोजन की टेंशन मतलब ये अपना डाइजेशन में कवर होगा, प्रोरेनिन का थोड़ा सा हम लिख लेते हैं यहाँ पे। देखो, प्रोरेनिन बेसिकली एडल्ट में नहीं पाया जाता, पहला पॉइंट तो ये है, एडल्ट में नहीं पाया जाता। किसमें पाया जाता है? इन्फेंट्स में पाया जाता है, मतलब बहुत छोटे बच्चों में पाया जाता है।
और इसका फंक्शन क्या रहता है छोटे बच्चों में, जो मिल्क में प्रोटीन होते हैं ना, डाइजेशन छोटा, बहुत छोटा बच्चा है, इन्फेंट है, तो क्या पीता है, दूध ही पीता है, वो बर्गर पिज्जा तो खाता नहीं है, तो है ना, दूध पीता है तो उसमें प्रोटीन रहेंगे, तो उन प्रोटीन की डाइजेशन के लिए ये एंजाइम काम आता है, डाइजेशन ऑफ मिल्क, मिल्क प्रोटीन्स, डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। और ये एडल्ट में नहीं पाया जाता, और ये एडल्ट में नहीं पाया जाता, प्रोरेनिन रेड कलर से क्रॉस मार देता हूं मैं, एडल्ट में नहीं पाया जाता, इन्फेंट्स में पाया जाता है। ठीक है, पेप्सिनोजन क्या होता है, क्यों होता है, क्या करता है, उसको अभी भूल जाइए, उसको अभी भूल जाइए। ठीक है, अब यहां पे आ जाते हैं, पेराइटल और ऑक्सेंट्रिक सेल पे आ जाते हैं। अब पेराइटल और ऑक्सेंट्रिक सेल, ये दो चीजें, ये बेसिकली दो चीजें रिलीज करती हैं, एक तो HCl, वेरी फेमस HCl, और दूसरा क्या है, केजल इंट्रिंसिक फैक्टर, केजल इंट्रिंसिक फैक्टर फैक्टर। ठीक है, अब HCl क्या काम आता है, HCl के कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे कि देखो जो ये पेप्सिनोजन है ना, ये पेप्सिनोजन है, ये इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव है ना, इसकी एक्टिव फॉर्म क्या होती है, पेप्सिन, इसकी एक्टिव फॉर्म क्या होती है, पेप्सिन। प्रोरेनिन, देखो नाम में आ गया प्रो, मतलब ये भी इनएक्टिव है, इसकी एक्टिव फॉर्म क्या होती है, रेनिन, इसकी एक्टिव फॉर्म क्या होती है, रेनिन, मतलब ये भी इनएक्टिव फॉर्म में है, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में है, तो दोनों को, इन दोनों को एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए, पीएच बहुत कम चाहिए, यानी हाईली एसिडिक कंडीशन चाहिए, तो वो हाईली एसिडिक कंडीशन कौन प्रोवाइड कराता है, HCl प्रोवाइड कराता है, तो HCl पेप्सिनोजन को भी एक्टिवेट करेगा और प्रोरेनिन को भी एक्टिवेट करेगा, क्यों, क्योंकि ये एसिड है, तो ये है ना पीएच बहुत कम कर देगा, और उस कम पीएच में ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे और अपना काम करेंगे, तो एक तो ये फंक्शन हो गया इनका। ठीक है, और क्या हो गया, देखो मान लो स्टमक में, अभी देखो HCl है तो मतलब हाईली एसिडिक कंडीशन है, HCl है तो ये कैसी कंडीशन क्रिएट कर देगा, हाईली एसिडिक कंडीशन क्रिएट कर देगा। अब हाईली एसिडिक कंडीशन होने से जो भी वहां पे पैथोजेंस थे, मान लो हमने खाना वाना जो भी खाया और उसमें कीटाणु जीवाणु, समझते हो ना, कि जो बीमारी फैलाने वाले पैथोजेंस थे उनको ये किल कर देगा, है ना, इतनी एसिडिक कंडीशन है तो पैथोजन की भी तो वाट लग जाएगी, तो ये पैथोजेंस को किल कर देगा, पैथोजेंस को किल कर देगा, ये अलग कलर से कर देते हैं, ये भी एक HCl का यहां पे फायदा हमने देख लिया। ठीक है, अब यहां पे एक छोटा सा सवाल और आपके माइंड में आना चाहिए कि देखो पेप्सिनोजन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम है ना, जो ये पेप्सिन है। ठीक है, अब आपका सवाल होना चाहिए कि हमने इसको पेप्सिन के फॉर्म में क्यों नहीं रखा, है ना, मतलब नेचर ने, हमने नहीं, नेचर ने डायरेक्ट ही इसको पेप्सिन की फॉर्म में रख देते, इतना तामझाम क्यों किया कि इनएक्टिव फॉर्म में है, फिर उसको एक्टिवेट करेंगे, फिर वो पेप्सिन बनेगा, तो ये सब प्रोसेस क्यों बनाई होगी ऊपर वाले ने। तो सिंपल सी बात है, अगर ये पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में हमारी स्टमक में हो तो हमारे स्टमक में है ना, जो हमारी लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की, उस वो भी तो हम भी तो प्रोटीन के ही बने हुए हैं, तो अगर ये हमेशा एक्टिवेट फॉर्म में रहा तो हम भी तो प्रोटीन के बने हुए हैं, तो ये हमको ही डाइजेस्ट कर देगा, हमको ही डाइजेस्ट कर देगा, इसीलिए इनएक्टिव फॉर्म में रहता है कि भाई जब जरूरत पड़ेगी तब रिलीज कर देंगे, है ना, और उस एसिडिक कंडीशन से जो HCl की जो हाईली एसिडिक कंडीशन हो जाएगी उसको हमारे शरीर को कौन बचाएगा उससे, ये म्यूकस उससे बचाती है। ठीक है, ये पॉइंट अपने को यहां पे समझ में आ गए, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपके सामने है। अब यहां पे अपना बच गया ये केजल इंट्रिंसिक फैक्टर, ये क्या करता है इसके बारे में सिर्फ आपको एक ही लाइन याद करनी है कि ये विटामिन कौन सा, विटामिन बी ट्वेल्व के किसमें, अब्सॉर्प्शन में काम आता है, विटामिन बी ट्वेल्व के अब्सॉर्प्शन में काम आता है, तो यहीं से आपके देख लो कितने सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, कितने सारे क्वेश्चन आपके सामने रखे हुए हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं एंजाइम का फंक्शन की अभी टेंशन मत लो, पेप्सिनोजन क्या करता है, कैसे करता है, कहां करता है, एंजाइम को हम एक है ना एक्यूमुलेट करके एक जगह पे इकट्ठे पढ़ेंगे।
ठीक है, ये आपके सामने देख लीजिए, पूरा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बिल्कुल क्लियर हो चुका है। देखिए हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के बाद लास्ट में अपना कौन सा ग्लैंड बचेगा, लीवर बचेगा, और फिर अपना ये टॉपिक खत्म। और इसमें थोड़ा पीला पीला कलर भर देते हैं ताकि ये खुश खुश हो जाए। लीजिए, थोड़ा हाईलाइट हो जाता है ना, थोड़ा मजा सा आता है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मतलब क्या है, नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है, नाम से कि भाई ऐसे ग्लैंड्स जो इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाएंगे। तो इंटेस्टाइन के अंदर कौन से ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ये बात हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, पर मैं पूरे तरीके से आपको रिमाइंड कराऊंगा। तो मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि इंटेस्टाइन के अंदर दो ऐसी जगह थी जहां पे हमने ग्लैंड्स की बात की थी, दो ऐसी जगह थी। अब वो दो कौन सी जगह थी, हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए एलिमेंट्री कैनाल कैसी दिखाई पड़ती है, मैं बार बार आपको बना के दिखा रहा हूं कि एलिमेंट्री कैनाल कुछ ऐसी दिखाई देती है, एलिमेंट्री कैनाल कुछ ऐसी दिखाई देती है कि भाई ये माउथ से शुरू होती है और एनस पर खत्म होती है। और इसमें कैसे, मान लो यहां पे माउथ है, यहां पे फेरिंग्स आ जाएगा, यहां पे ईसोफेगस है, ये मान लो स्टमक का एरिया आ गया, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, और ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन आ गई, कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो गई। और लेयरिंग की बात करें, लेयर्स की बात करें, तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि लेयर की बात करें तो सबसे अंदर वाली लेयर, इसके ट्रांसवर सेक्शन लेते हैं, मतलब इसको अगर ये पेन ऐसे है, इसको कट करके अगर हम ऐसे उठा के देखते हैं तो यही पाइपलाइन ऊपर से कैसी दिखाई देगी, है ना। इसकी चार लेयर होती है, सबसे अंदर वाली म्यूकोजा, फिर उसके बाहर होगी सब म्यूकोजा, उसके बाहर होगी मस्कुलरिस, और सबसे बाहर होगी सिरोसा, सबसे बाहर होगी सिरोसा, है ना। ये कौन सी है, सबसे अंदर वाली है म्यूकोजा, और उससे बाहर वाली कौन सी है, सब म्यूकोजा। अपने को इन दो का ही काम है बस, यहां पे बस यही को देखना है, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम सिर्फ म्यूकोजा को देखना चाहते हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि म्यूकोजा, जो म्यूकोजा होती है वो स्टमक के अंदर इररेगुलर फोल्ड्स बनाती है, इररेगुलर फोल्ड्स स्टमक के अंदर, है ना, इस साइड भी बनाएगी इररेगुलर फोल्ड्स, है ना, यहां से ऐसे नॉर्मल चलती आ रही थी, स्टमक के अंदर इररेगुलर फोल्ड्स उसने बना दिए। और इन इररेगुलर फोल्ड्स का नाम भी हमने किया था कि रुगी इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रुगी इनको बोलते हैं, और यही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाते हैं। और मैंने आपको एक बात बताई थी, स्टमक में तो क्या बनाए, इररेगुलर फोल्ड्स बनाए, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये विलाई की फॉर्मेशन करती है, कौन करती है, म्यूकोजा, जो म्यूकोजा है वो फोल्डिंग्स बना के स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ इस तरीके से विलाई की फॉर्मेशन करती है, विलाई की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। और अब देखिए, मैंने इस विलाई को जूम करके भी दिखाया था कि विलाई कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी, मान लो ये एक विलाई है, फिर ये दूसरी विलाई है, और ये तीसरी विलाई है ना, तीन विलाई हमने देख ली यहां पे जूम करके, ये हम जूम करके देख रहे हैं, मान लो ये हम जूम करके देख रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो, विलाई में मैंने आपको क्या बताया था कि यहां पे विलाई में कुछ जगह पे कुछ इस तरीके से दरार प्रेजेंट होती है, दरार, ये दरार प्रेजेंट होती है, और इन दरारों को क्या बोला जाता है, क्रिप्ट बोला जाता है, दरारों को क्रिप्ट बोला जाता है, और इसका पूरा नाम क्या है, क्रिप्ट ऑफ लेबर कुहन, क्रिप्ट ऑफ लेबर कुहन, ठीक है, क्रिप्ट ऑफ लेबर कुहन। तो ये तो बात हो गई म्यूकोजा की, और इसी में क्या होते हैं, इसी क्रिप्ट ऑफ लेबर कुहन में क्या होते हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई म्यूकोजा की, अब म्यूकोजा के ठीक नीचे कौन सी लेयर होगी, मान लो ये बना देते हैं, देखिए म्यूकोजा थी, म्यूकोजा के ठीक पीछे, कौन सी लेयर होगी, सब म्यूकोजा होगी, ये हमने बना दी सब म्यूकोजा, मान लीजिए ये बना दी मैंने, ये जो ब्लैक कलर की सब म्यूकोजा बना दी, ठीक है, समझ पा रहे हो ना आप, सबसे अंदर वाली रेड वाली म्यूकोजा थी, फिर सब म्यूकोजा होगी, फिर बाहर मस्कुलरिस होगी, फिर सबसे बाहर सिरोसा होगी, बट अपने को काम म्यूकोजा का है, ये लिख देता हूं, ये क्या है, म्यूकोजा है, ये क्या है, म्यूकोजा है, और ये सब म्यूकोजा है, ये सब म्यूकोजा है, ठीक है। और मान लीजिए ये जो बात हम कर रहे हैं, ये जो बात हम, ये पोर्शन जो है, ये जो पोर्शन है, मान लीजिए ये किसका पोर्शन है, ड्यूडनम का पोर्शन है, यहां से इसको मिटा लेते हैं, ये पोर्शन है ड्यूडनम का,
ठीक है। अब मेरी एक बात याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि ड्यूडनम की सब म्यूकोजा के अंदर क्या होते हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए ये प्रेजेंट है ना, मैंने आपको बताया था, एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी भी गई है कि सब म्यूकोजा ऑफ ड्यूडनम में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली किसी के भी नहीं होते, बट ड्यूडनम की सब म्यूकोजा में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और इन ग्लैंड्स का भी नाम भी मैंने आपको बताया था, इन ग्लैंड्स का नाम होता है ब्रूनर्स ग्लैंड। इन ग्लैंड्स का नाम होता है ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। तो यहां पे दो ही टाइप के इंटेस्टाइन में अपने को ग्लैंड दिखाई देंगे। पहले ग्लैंड कौन से थे, ये क्रिप्ट ऑफ लेबर कुहेन में जो बनेंगे ये ग्लैंड हो गए, पहले वाले तो ये हो गए, और दूसरे सिर्फ ब्रूनर्स ग्लैंड अपने को दिखाई देंगे। तो ये वाले, तो देखिए अब ये वाले क्रिप्ट ऑफ लेबर कुहेन में जो ग्लैंड्स होंगे, और प्लस 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 ये वाले ब्रूनर ग्लैंड, यही क्या बनाएंगे, यही क्या बनाएंगे, यही क्या बनाएंगे, यहां नीचे लिख देता हूं, यही मिलके क्या बनाएंगे, इंटेस्टाइनल जूस बनाएंगे। यही क्या बनाएंगे, इंटेस्टाइनल जूस बनाएंगे। और इसी इंटेस्टाइनल जूस को क्या बोल दिया जाता है, सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस इसको बोल दिया जाता है। देखो जहां एंटेरो वर्ड आ जाए ना, एंटेरो मतलब वो इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। क्लियर है बात। क्रिप्ट ऑफ लेबर कुहेन में जो ग्लैंड बने प्लस ब्रूनर ग्लैंड, दो ही टाइप के ग्लैंड इंटेस्टाइन में होते हैं, और यही इंटेस्टाइनल जूस बनाते हैं जो सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक बार खुद को लोकेट कर लेते हैं। देखो हम डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ रहे थे, और इसमें हम सलाइवरी ग्लैंड पढ़ चुके हैं, हम पेनक्रियाज भी पढ़ चुके हैं, हम गैस्ट्रिक ग्लैंड भी पढ़ चुके हैं, हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी पढ़ चुके हैं। तो लास्ट अपना जो ग्लैंड बचता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट भी आप बोल सकते हो, जो कि जिसका नाम है लीवर। तो अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, अब हम पढ़ने वाले हैं लीवर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहां पे एक अच्छी सी हेडिंग डाल देते हैं, लीवर लीजिए, लीवर भाई साहब, थोड़ा रंग भर देते हैं, खुश हो जाएंगे लीवर भाई साहब, ठीक है। अब जिस फ्लो में मैं आपको बताऊंगा ना, उसी फ्लो में अगर आप लीवर को पढ़ते हो, तो मेरी गारंटी है कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत आपको जिंदगी में नहीं होगी ना। और एनसीईआरटी का एक एक वर्ड आपका ऑटोमेटिकली कवर होता चला जाएगा। जिस फ्लो में मैं बताऊंगा उस फ्लो में करना है। देखिए सबसे पहले लीवर के बारे में हमें इंट्रोडक्शन देखनी है, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमें सिर्फ तीन पॉइंट ध्यान में रखने हैं, तीन पॉइंट। अब वो तीन पॉइंट कौन से हैं, वो मैं लिखने जा रहा हूं। पहला पॉइंट है कि लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, किसका, ऑब्वियस सी बात है बॉडी का, हमारी बॉडी का लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है। पहला पॉइंट हो गया, एनसीईआरटी में लिखी गई है ये बात। सेकेंड पॉइंट, अगर लीवर का आपसे वजन पूछ लिया जाए कि भाई लीवर का वेट कितना होता है, लीवर का वेट कितना होता है, तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है कि अगर अडल्ट ह्यूमन की बात करें, अडल्ट ह्यूमन मतलब ठीक ठाक स्वस्थ है ना, जवान व्यक्ति, अडल्ट ह्यूमन की बात करें, तो लीवर का वेट कितना दिया हुआ है, रेंज दी हुई है 1.2 टू 1.5 केजी, 1.2 से 1.5 किलो तक का, 1.5 किलो तक का लीवर हो सकता है। और 1.5 किलो का एक है ना ग्लैंड, समझ लो आप लार्जेस्ट ग्लैंड इसको क्यों बोला जाता है। अब बारी आती है लीवर की लोकेशन किधर है, लीवर की लोकेशन कहां पर है, इसके बारे में भी एनसीईआरटी में लिखा गया है। इसको मैं थोड़ा सा आपको कुछ इस तरीके से समझाना चाहूंगा। देखिए ये कोई इंसान है, मान लीजिए कोई इंसान है, ये इसके पैर और हाथ बना देते हैं, और ये हमारी तरफ फेस करके ऐसे खड़ा है। हमारी तरफ फेस करने का इसका क्या मतलब है कि ये इसकी क्या हो जाएगी, बॉडी की राइट साइड हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, बॉडी की लेफ्ट साइड हो जाएगी, ठीक है। अब इस इंसान के लंग्स बनाने हो तो कुछ इस तरीके से लंग्स आएंगे, कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। लीजिए ये हमने लंग्स बना लिए इस इंसान के, और जहां पे लंग्स खत्म होते हैं यहां पे क्या होता है, यहां पे डायफ्राम होता है। ये रेड कलर का मैंने जो बना दिया, ये क्या बना दिया, डायफ्राम बना दिया, ये मैंने बना दिया डायफ्राम बना दिया, ठीक है। तो एक रीजन होता है थोरेक्स, एक रीजन होता है अब्डोमिनल रीजन। तो वो कैसे दिखते हैं, देखो
जहां तक डायफ्राम आ रहा है ना इस इंसान का, बेसिकली चेस्ट वाला रीजन जो हो जाएगा ये हो जाएगा थोरेक्स रीजन, थोरेक्स रीजन। और ये वाला रीजन कौन सा हो जाएगा डायफ्राम से नीचे, अबडोमिनल रीजन, ये वजह हो जाएगा अबडोमिनल रीजन। अब अबडोमिनल रीजन में है ना किसके नीचे, जस्ट डायफ्राम के नीचे, एनसीईआरटी की लाइन में आपको बता रहा हूं कि अबडोमिनल रीजन में डायफ्राम के नीचे। देखो जब हम बोल देते हैं डायफ्राम के नीचे तो वो ऑटोमेटिकली अबडोमिनल रीजन में आ गया, क्योंकि थोरेक्स रीजन तो यहां डायफ्राम पे खत्म हो गया। तो अबडोमिनल रीजन में जस्ट डायफ्राम के नीचे राइट साइड में, बॉडी की राइट साइड में क्या प्रेजेंट होता है, लीवर प्रेजेंट होता है। ये मैंने ब्लू कलर का रेड से बना देते हैं, ये मैंने बना दिया ये लीवर राइट साइड में, है ना। लेफ्ट साइड में क्यों नहीं होता इसको भी थोड़ा याद रखना। लेफ्ट साइड में क्या होता है, इसी जगह पे डायफ्राम के नीचे स्टमक होता है, स्टमक होता है। और राइट साइड में क्या होगा, लीवर होगा। तो ये अपने को याद हो गया। और किडनी तो दोनों जगह पे होगी फिर नीचे, तीन किडनी तो दोनों जगह पे पाई जाएगी, है ना। तो ये लोकेशन हो गई कहां पे, लोकेशन एक बार लिख देते हैं कहां पे, अबडोमिनल कैविटी में, अबडोमिनल कैविटी के अंदर, वहां पे भी कहां पे, जस्ट बिलो द, जस्ट बिलो डायफ्राम, जस्ट बिलो डायफ्राम, ये डायफ्राम, ठीक है। और साइड देखनी हो बॉडी के राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, तो बॉडी के राइट साइड है, बॉडी के राइट साइड है। ये लोकेशन होगी अबडोमिनल कैविटी में जस्ट बिलो डायफ्राम, और बॉडी के राइट साइड है क्योंकि लेफ्ट साइड तो क्या है डायफ्राम के नीचे, स्टमक होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इतनी बातें हो गई, ये है ना, ये अपने इंट्रोडक्शन में हमने देख लिया कि लार्जेस्ट ग्लैंड है, वजन कितना है 1.2 to 1.5 kg, लोकेशन हमने देख ली अबडोमिनल कैविटी में जस्ट डायफ्राम के नीचे और बॉडी के राइट साइड में होता है, एक एक बात कवर हो गई अपनी, ठीक है। ये इफ एक बार फिर से बताते हूँ कि कॉमन सा याद रखना, जहां पे डायफ्राम आ गया ना तो डायफ्राम से ऊपर का रीजन थोरेक्स रीजन, नीचे का रीजन अबडोमिनल रीजन होता है। तो ये बातें हो गई है ना, इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि लीवर में क्या क्या होता है। देखिए लीवर है ना, जो लीवर है वो लोब से मिलके बना है। मैं पूरा लीवर बना लेता हूं, यहां पे एक रफ डायग्राम बना लेते हैं लीवर का, और जो ये डायग्राम है ना इसी से ऑटोमेटिकली आपकी सारी बातें कवर हो जाएंगी। देखियो ये मैंने एक लीवर का रफ सा डायग्राम बना लिया, ये पूरा अपना क्या है, लीवर है। अब लीवर के अंदर क्या होते हैं, दो लोब्स होते हैं। देखो यहां से मैं लोब डिवाइड कर देता हूं, ये एक लोब हो गया, देखो ये जो हो गया लीवर का, थोड़ा इसको पेन को मोटाई बढ़ा लेते हैं, ये जो हो गया लीवर का एक लोब हो गया, एक लोब हो गया, और ये लीवर का दूसरा लोब हो गया। अब कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है, तो लीवर देखो कुछ ऐसे प्रेजेंट है, लीवर कुछ ऐसे प्रेजेंट है, तो हमने ऐसे डिवीजन की है, ऐसे डिवीजन की है, ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया। तो जाहिर सी बात है राइट साइड ये वाली थी, तो जो बड़े वाला लोब है, बड़े वाला लोब है वो कैसा है, ये वाला जो लोब है ये राइट लोब है, ये राइट लोब है, और ये लेफ्ट लोब हो जाएगा, ये लेफ्ट लोब हो जाएगा। और हमें देखने से ही पता लग रहा है, अगर हम साइज का कंपेरिजन करें तो राइट लोब लेफ्ट लोब के कंपेरिजन में बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है, कितना बड़ा है वैसे पूछा नहीं जाएगा, पर लगभग 6 times 6 गुना इससे ये साइज में बड़ा होता है। तो ये कंप्लीट राइट लोब प्लस लेफ्ट लोब कंप्लीट अपना ये पूरा लीवर है। अब देखिए लीवर के अंदर जो खेल चलेगा ना वो यहां पे एक तरीके से एनसीईआरटी को डिफाइन करेगा, जिस तरीके से मैं बनाऊंगा। देखो ये पूरा लीवर है, लीवर के अंदर क्या है, दो लोब हैं, और लोब के अंदर क्या होते हैं, लोब के अंदर क्या होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं, लोब के अंदर क्या होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं। ये मैंने लोब के अंदर क्या बना दिए, लोब्यूल्स बना दिए, ठीक है। लीवर के अंदर दो लोब होते हैं और हर लोब के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं, लोब्यूल्स, लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये क्या है, लोब्यूल्स है, ये है लोब्यूल्स, और ये लोब्यूल्स कहां पे हैं, लीवर में हैं। तो लीवर के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है हेपेटिक, वो होता है हेपेटिक, हेपेटिक वर्ड जहां भी आ जाए मतलब लीवर, रीनल वर्ड जहां भी आ जाए मतलब किडनी, गैस्ट्रिक वर्ड जहां भी आ जाए मतलब स्टमक, कार्डियक वर्ड जहां भी आ जाए मतलब हार्ट। तो ये कॉमन सेंस की बातें हैं। तो ये है ना, एक बार फिर से फ्लो पकड़ो, लीवर के अंदर है लोब्स, लोब्स के अंदर है लोब्यूल्स, कौन से लोब्यूल्स, हेपेटिक लोब्यूल्स।
अब हिपैटिक लोब्यूल्स के बाहर अगर आप देखोगे, बाहर अगर आप देखोगे तो एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है कुछ इस तरीके से। हर लोब्यूल के बाहर कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है कुछ इस तरीके से। सारे सारे है ना, ऑटोमेटिकली है, सबके बाहर ही होगी। सबके बाहर मैं ड्रोन नहीं कर रहा, नहीं तो बहुत टाइम चला जाएगा, पर सबके बाहर ही होगी ये कवरिंग होगी। और इस कवरिंग को क्या बोलते हैं, ग्लीसन कैप्सूल। इसकी कवरिंग है कनेक्टिव, थिन कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है ग्लीसन कैप्सूल। किसके बाहर, हेपेटिक लोब्यूल्स के बाहर ग्लीसन कैप्सूल, किसकी, कनेक्टिव टिश्यू की ये कवरिंग है ना। ये पॉइंट भी अपना क्लियर हो गया। अब देखो ऑटोमेटिक सी बात है, अगर हर लोब्यूल के बाहर ये कवरिंग हो जाएगी, हर लोब्यूल के बाहर ये कवरिंग हो जाएगी, तो बाहर से देखने तो अपने को ऐसा दिखेगा ना कि लीवर के बाहर भी यही कवरिंग है। अगर हर लोब्यूल के बाहर ये कवरिंग हो जाए तो ऐसा नहीं दिखेगा कि लीवर के बाहर भी किसकी कवरिंग है, लीवर के बाहर भी किसकी कवरिंग है, एक तरीके से ग्लीसन कैप्सूल की ही कवरिंग है, ऑटोमेटिक सी बात है। ठीक है, अब अगर हम ये जो हेपेटिक लोब्यूल्स हैं इसके अंदर झांक के देखते हैं तो इसके अंदर अपने को क्या मिलेंगी, बहुत सारी हिपैटिक सेल्स मिलेंगी। हिपैटिक मतलब लीवर, सेल्स मतलब सेल्स, ये मिलेंगी अपने को बहुत सारी हिपैटिक सेल्स मिलेंगी। ठीक है, बना लेते हैं, यहां भी बना लेते हैं, बहुत सारी क्या मिलेंगी, ब्लू कलर की मैंने जो बना दी, हिपैटिक, हिपैटिक मतलब लीवर के अंदर है, हिपैटिक सेल्स, हिपैटिक सेल्स मिलेंगे। ठीक है, अब जो ये हिपैटिक सेल्स हैं, जो ये हिपैटिक सेल्स हैं, यही क्या करती हैं, यही क्या करती हैं, क्या सिक्रीट करती हैं, बाइल सिक्रीट करती हैं, यही क्या करती हैं, यही बाइल को सिक्रीट करती हैं। और अल्टीमेटली यही लीवर का फंक्शन था, बाइल को सिक्रीट करना। अब ये जो बाइल है, ये जो बाइल बनाया है किसने, हिपैटिक सेल ने, ये कहां स्टोर हो जाएगा, ये गॉल ब्लैडर में जाके, गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो यहां पे ये हम गॉल ब्लैडर बना देते हैं, ये गॉल ब्लैडर बना देते हैं, है ना। डक्ट सिस्टम होता है, डक्ट में आगे दिखा दूंगा आपको कैसे होता है, बस ये समझ लो यहां से जो बाइल बना है वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाएगा। ये देख लीजिए अभी पूरा, है ना, ये सिनेरियो है ना। और यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है। देखो अपने पास यहां पे कई चीजें हो गई ना, एक तो क्या हो गया, लोब हो गया, एक तो अपने पास यहां लोब हो गया, एक लोब्यूल्स हो गए, एक हेपेटिक सेल्स हो गई। अब इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, तो आपका आंसर जाएगा क्या होती है, हेपेटिक लोब्यूल्स जो है, हेपेटिक लोब्यूल्स जो है वो यूनिट ऑफ लीवर है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर है। ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन बन गया। अब इन्हीं चीजों को हम एक अलग तरीके से लिख लेते हैं ताकि बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए अपने पास यहां लीवर था, अपने पास यहां लीवर था, बीच में लिखते हैं कुछ इस तरीके से चलेंगे। देखिए अपने पास था लीवर, अपने पास था लीवर, और लीवर के अंदर हमने देखे क्या है, दो लोब्स हैं। लीवर के अंदर क्या है, दो लोब्स हैं। दो लोब्स कैसे हैं, एक राइट है एंड एक लेफ्ट लोब है। ठीक है, अब लोब्स के अंदर जब हम जाते हैं, लोब्स के अंदर जब हम जाते हैं तो हमें क्या मिले थे, ये हिपैटिक लोब्यूल्स मिले थे। लोब्स के अंदर अपने को मिले थे, लोब्स के अंदर अपने को मिले थे हिपैटिक लोब्यूल्स, हिपैटिक लोब्यूल्स। अब लोब्यूल्स के अंदर जब हम गए थे, देखिए अंदर जब हम गए थे तो हमें क्या मिली थी, हमें क्या मिली थी, हिपैटिक सेल्स मिली थी। जब हम लोब्यूल्स के अंदर गए तो हमें मिली हिपैटिक, चीजें वही हैं, बस एक है ना वो हो जाए, एक कंबाइन होके चीज अपने सामने आ जाए, इसलिए मैं लिख रहा हूं हिपैटिक सेल्स मिली थी। अब हिपैटिक सेल क्या सिक्रीट करती हैं, क्या सिक्रीट करती हैं, बाइल को सिक्रीट करती हैं, बाइल को। और अल्टीमेटली लीवर का जो फंक्शन था वो यही था, बाइल को सिक्रीट करना। अब ये बाइल कहां जाके स्टोर हो जाएगा, बाइल कहां जाके स्टोर हो जाता है, गॉल ब्लैडर में। कहां जाके स्टोर हो जाता है, गॉल ब्लैडर में।
अब गोल ब्लैडर में क्यों स्टोर हो जाता है, किस लिए स्टोर हो जाता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। बस यहां पे ये फ्लो पकड़िए, यहां पे आप ये फ्लो पकड़िए कि लीवर था, लीवर के अंदर दो लोब्स होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट, और लोब्स के अंदर होते हैं हेपेटिक लोब्यूल्स, और हेपेटिक लोब्यूल्स के अंदर होती है हेपेटिक सेल्स। हेपेटिक सेल्स क्या सिक्रीट करती है, बाइल को सिक्रीट करती है, जो कि गोल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। इतनी बातें क्लियर है। और यहां पर दो क्वेश्चन थे कि हेपेटिक लोब्यूल्स के बाहर 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 जो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है उसको हमने क्या बोला था, ग्लीसन्स कैप्सूल बोला था, ये बात एक हमने की। और क्या बोला, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लीवर लोब्स हेपेटिक लोब्यूल्स हेपेटिक सेल्स इनमें से बताओ कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर कौन सी है, तो आंसर जाएगा कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर कौन सी है, हेपेटिक लोब्यूल्स है, ये है हेपेटिक लोब्यूल्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इसको ऐसे भी याद रख लेना कि इसके बाहर ग्लीसन कैप्सूल की कवरिंग थी, तो हम है ना जो यूनिट है मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब इसकी कवरिंग अपने को करनी पड़ेगी। तो ये हो गया। अब हम देखने वाले हैं कि ये गोल ब्लैडर और ये स्टोर हुआ ये क्या सीन है और कैसे कैसे चीजें आगे काम करेंगे, ठीक है, इसको हम देखने वाले हैं। देखिए यहां पर मैं लीवर बना लेता हूं, यहां पर थोड़ा इस साइड बनाते हैं, यहां पर लीवर बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमने लोब को डिवाइड कर दिया, एक राइट लोब एक लेफ्ट लोब, ठीक है। अब राइट लोब से राइट लोब की डक्ट आएगी, ठीक है, और लेफ्ट लोब से लेफ्ट लोब की डक्ट आएगी, और ये डक्ट आपस में ज्वाइन कर जाएंगे, इनका नामकरण कर देते हैं। देखिए ये आई लेफ्ट लोब से, तो इसको बोल दिया हमने लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, हिपेटिक मतलब लीवर से आ रही है, सिंपल सी बात है। और ये वाली राइट से राइट लोब से आ रही है, तो इसको बोल देंगे राइट राइट हिपेटिक डक्ट, हिपेटिक डक्ट, ठीक है। अब ये वाली देखो, ये राइट और लेफ्ट ने, राइट और लेफ्ट ने कॉमन डक्ट बना दी, कॉमन डक्ट बना दी दोनों ने मिलकर, तो इसको बोल देंगे कॉमन हेपेटिक डक्ट, है ना, राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट मिल गई, ये बन गई कॉमन, ये बन गई कॉमन हेपेटिक, कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है। अब यहां पे होता है क्या, गोल ब्लैडर, यहां पे होता है गोल ब्लैडर, और ये आ रही होगी किसकी, गोल ब्लैडर की डक्ट आ रही होगी, और ये इसको ज्वाइन कर जाएगी, ये इसको ज्वाइन कर जाएगी एक तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो ये जो गोल ब्लैडर की डक्ट है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, इसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, और ये क्या है अपना गोल ब्लैडर है। अब वो बात समझिए मेरी, देखिए हमने क्या बोला था कि लीवर के अंदर क्या बनता है, बाइल बनता है, हमने ये बात की थी ना कि लीवर के अंदर क्या है, हेपेटिक सेल्स होंगी और वो बाइल बनाएंगी। अब ये बाइल जहां लीवर के अंदर बनेगा, हमने क्या बोला कि ये कहां स्टोर हो जाएगा, गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, देखिए मान लो जो बाइल बना था अपना, जो बाइल बना था अपना लीवर में बना था, उसमें मान लो कितना पानी था, 90% वाटर था, 90% क्या था उसमें, वाटर था, 90% वाटर था, और वो बाइल जाके गोल ब्लैडर में स्टोर हो गया। अब गोल ब्लैडर की जो ये वॉल्स होती है ना, दीवारें होती हैं गोल ब्लैडर की, वो क्या करेंगी, इस वॉटर की अब्सॉर्प्शन करेंगी, इस वॉटर की अब्सॉर्प्शन करेंगी। अब बाइल में से पानी अब्सॉर्ब होता जाएगा यानी कम होता जाएगा, तो क्या हम बोल सकते हैं कि बाइल की क्या हो रही है गोल ब्लैडर के अंदर, कंसंट्रेशन हो रही है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना। मान लो चीनी की चाशनी है, चीनी की चाशनी में से आप पानी निकालते जाओगे तो सोल्यूट बढ़ता जाएगा, मिठास बढ़ता जाएगा, कंसंट्रेशन सोल्यूट की बढ़ती जाएगी। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है कि गोल ब्लैडर के अंदर बाइल स्टोर होता है जाके, क्यों, क्योंकि यहां पे उसकी कंसंट्रेशन हो रही है।
है ना, एक तो ये पॉइंट हो गया। और एक और पॉइंट हो गया, देखो यहां पे हमने स्टोर करके रख लिया बाइल को, है ना, बिना बात पे लीवर में वो बाइल जगह गिरेगा, हमने यहां पे स्टोर करके रख लिया, मान लो ये बाइल है यहां पे स्टोर है, जब जरूरत पड़ेगी हम यहां से निकालते रहेंगे, है ना। देखो एक फैक्ट्री होती है जहां पे सामान बन रहा है, अगर वहीं पे हम स्टोरेज करते रहेंगे तो फैक्ट्री भर नहीं जाएगी, तो इससे अच्छा है फैक्ट्री से अलग क्या है, गोडाउन बना लीजिए जहां से फैक्ट्री से सामान बना और गोडाउन में स्टोर हो गया, आगे जब भी जरूरत पड़ेगी गोडाउन से वो चला जाएगा ना, वहां पे कंसंट्रेट भी वो हो रहा है, तो ये रीजन भी अपने को पता चल गया क्यों यहां पे स्टोरेज होती है। ठीक है, अब नेमिंग कर लेते हैं, एक बार डक्ट की नेमिंग कर लेते हैं। देखिए ये थी कॉमन हेपेटिक डक्ट जो लीवर से आ रही थी लेफ्ट और राइट मिलके, और ये गोल ब्लैडर से आई सिस्टिक डक्ट, तो ये दोनों सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट क्या है, दोनों आपस में यहां पे कंबाइन हो गई है, और इसको बोल दिया जाता है क्या, बाइल डक्ट बोल दिया जाता है, इसको बोल दिया जाता है बाइल डक्ट बोल दिया जाता है, बाइल डक्ट। ठीक है, अब ये बाइल डक्ट आगे चल रही है, बाइल डक्ट आगे चली आगे चली आगे चली, अब यहां पे होता है भाई कौन सा, पेनक्रियाज, यहां पे है क्या, पेनक्रियाज है, लिख देते हैं पेनक्रियाज है। अब पेनक्रियाज से जो डक्ट आएगी, पेनक्रियाज से जो डक्ट आएगी जाहिर सी बात है उसका नाम क्या होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए पेनक्रियाटिक डक्ट, उसका नाम होना चाहिए पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, अब देखिए बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट यहां पे आपस में मिल चुकी हैं, यहां पे आपस में मिल चुकी हैं, और ये एक नई डक्ट बन चुकी है, एक नई डक्ट बन चुकी है जिसका नाम है, जिसका नाम है क्या, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो मतलब इनफेक्ट, है ना, मतलब इनफेक्ट नहीं, गलत वर्ड का यूज कर दिया, है ना, हिपैटो मतलब क्या है, हम लीवर की बात कर रहे हैं, पेनक्रियाटिक मतलब पेनक्रियाज, है ना, कि हिपैटो मतलब लीवर और पेनक्रियाज की डक्ट मिल गई है, हिपैटो पेनक्रियाटिक इनफेक्ट, क्या सोच के बोला मैंने, अंग्रेजी कमजोर ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर काम चला लेंगे, हम भारत के निवासी हैं। ठीक है, तो ये बन गई, है ना, हिपैटो मतलब लीवर की तरफ से जो आ रही है, पेनक्रियाटिक मतलब पेनक्रियास की तरफ से आ रही है, मिलजुल के बन गई हिपैटो पेनक्रियाटिक अडक्ट। ठीक है, पूरा अंग्रेज पूरा फील्ड में आके बोला था मैंने, इनफैक्ट दिस इज, पर वही है, असलियत सामने आई जाती है। ठीक है, अब ये कहां खुलेगी, देखिए अब यहां पर ये ना जहां पे भी खुलेगी ये अभी बताऊंगा, उससे पहले ये थोड़ा सा ऐसे है ना वाइड हो जाती है, वाइड, तो बायोलॉजी में हमेशा याद रखना, यहां बताता हूं, बायोलॉजी में हमेशा याद रखना, मान लो कोई भी चीज ऐसे जा रही है और वो यहां पे जाके वाइड हो जाती है, तो कोई भी ऐसी चीज खुली हो गई ना ऐसे, उसको हमेशा क्या बोला जाता है, एम्पुला बोला जाता है। एम्पुला का मतलब ही ये होता है कि वाइड, वाइड मतलब चौड़ी चीज, एम्पुला, एम्पुला। ठीक है, तो ये बन गया एक तरीके से, यहां पे ये है ना ऐसे चौड़ी सी हो जाती है, और इसको बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर, इसको बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर, जहां पे चौड़ी चीज हो गई बायोलॉजी के अंदर, है ना, वो एम्पुला कहलाएगी, है ना, मोस्टली जूलॉजी में ही आएगा, अपनी बॉटनी में ऐसा यूज होगा नहीं। ठीक है, ये अपना ईयर पढ़ेंगे जब हम, ईयर में भी आएगा। ठीक है, अब यहां पे है ड्यूडनम, यहां पे है क्या, ड्यूडनम, ड्यूडनम क्या होती है, हम सबको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन है ये, है भाई ड्यूडनम, थोड़ा इसको ऐसे बनाते हैं, थोड़ा फील आए, ले भाई ले 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 ले, तो ये है अपनी, ये है अपनी ड्यूडनम, ड्यूडीनम, ड्यूडीनम। ठीक है, तो ये ओपन हो जाएंगी भाई इसमें ड्यूडनम में। अब पूरा सिनेरियो एक बार देख लीजिए, ये अपना बन रहा है पूरा सिनेरियो। ठीक है, अब यहां पे एक अलग कलर उठाते हैं, एक अलग कलर उठाते हैं, ये वाला कलर उठाते हैं। ठीक है, अब यहां पे कुछ स्पिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, स्पिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, है ना, कौन से स्पिंक्टर होते हैं, देखो एक स्पिंक्टर तो यहां पे प्रेजेंट होगा, यहां पे जूम करके बनाते हैं, यहां पे, यहां पे एक स्पिंक्टर तो यहां पे प्रेजेंट होगा। यहां पे स्पिंक्टर का होने का क्या काम है, देखो लीवर से बाइल बना, बाइल बना, बाइल बना, बाइल जो आएगा, हमने बात की थी कि बाइल गोल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है, तो ये स्पिंक्टर यानी ये दरवाजा यहां पे बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बाइल यहां पे अपने को स्टोर करना है तो यहां से अपने को बंद रखना पड़ेगा, नहीं तो यहां बाइल चला जाएगा, तो इस कंट्रोल को होना बहुत जरूरी है, हालांकि जब जरूरत पड़ेगी तब हम इस दरवाजे को खोलेंगे, है ना, तो यहां पर एक स्पिंक्टर
प्रेजेंट है, इसका नाम हम लिख देते हैं स्पिंक्टर ऑफ बॉयडन। और इसका फंक्शन क्या है देखने से ही पता लग गया कि ये किसको, बाइल जूस की एंट्री को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है स्पिंक्टर ऑफ बॉयडन। इसको ऐसे कर देते हैं, थोड़ा अलग से दिख जाएगा, स्पिंक्टर ऑफ बॉयडन। अब दूसरा स्पिंक्टर कहां पे होता है, यहां पे कि ड्यूडनम में हमें क्या लाना है, कब लाना है, कैसे लाना है, उसको कंट्रोल करेगा, है ना। यहां पे दूसरा स्पिंक्टर होता है, इसका नाम होता है स्पिंक्टर ऑफ ओडीआई या ओडाई कुछ भी बोल लो, ये है स्पिंक्टर ऑफ ओडाई, पीला कलर भर देते हैं। अब स्पिंक्टर ऑफ ओडाई का आपसे फंक्शन पूछ लिया जाए तो ये बाइल जूस है ना, देखो यहां से बाइल जूस ही आएगा, बाइल जूस है ना यहां तक, तो बाइल जूस को तो ये कंट्रोल करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ पेनक्रियाटिक जूस को भी ये कंट्रोल करेगा, है ना। ब्रैकेट में लिख देते हैं कि भाई बाइल, अरे इतना मोटा कैसे हुआ, इसको थोड़ा पतला करते हैं, कि बाइल जूस को तो कंट्रोल करेगा ही करेगा, बाइल जूस को तो, प्लस उसके साथ साथ पेनक्रियाटिक जूस को भी ये कंट्रोल करेगा। वो पोजीशन से अपने को पता लग ही रहा है कि बाइल तो लीवर से उधर से आएगा ही और पेनक्रियास से पेनक्रियास का आएगा, तो दोनों को कंट्रोल कर रहा है। और इधर स्पिंक्टर ऑफ बॉयडन की बात करें तो ये सिर्फ और किसको बाइल को, सिर्फ और सिर्फ बाइल जूस को ये कंट्रोल कर रहा है कि वो इसे ना इधर ना जाने पाए, गोल ब्लैडर में अपने को स्टोर करना है। तो ये डायग्राम भाई बेहद ही जरूरी है, इसको एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए, है ना। एक बार जल्दी से मैं 30 सेकंड में इसको रिपीट कर देता हूं कि लीवर था, लीवर के दो लोब थे, एक राइट लोब एक लेफ्ट लोब, है ना। लीवर के राइट लोब से जो डक्ट आएगी वो राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट से आएगी लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक वर्ड जहां भी आता है उसका मतलब क्या है, लीवर की बात हो रही है। फिर क्या है, देखो दोनों लीवर की डक्ट राइट और लेफ्ट मिल जाएंगी आपस में, तो मिल जाएंगी तो मतलब कॉमन बन जाएगी, क्या हेपेटिक डक्ट बन जाएगी, ठीक है। अब यहां से गोल ब्लैडर से जो डक्ट आएगी वो सिस्टिक डक्ट आएगी, ठीक है। अब यहां पे एक दरवाजा हमने लगाया है, क्यों लगाया है दरवाजा, क्योंकि हमें जहां से लीवर में जो बाइल बनता है उसे हमें स्टोर करना है गोल ब्लैडर में। अब वहां पर हमें स्टोर करना है तो यहां जाने का उसका खतरा है, तो इसीलिए हमने दरवाजा लगाया, तो जब जरूरत पड़ेगी तब हम इस दरवाजे को खोल लेंगे। गोल ब्लैडर के अंदर बाइल की कंसंट्रेशन होती है ना, कंसंट्रेटेड वहां पे होता रहता है वो, ठीक है। अब यहां पे सिस्टिक डक्ट यानी गोल ब्लैडर वाली डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट जब मिल जाएंगी तो बन जाएगी बाइल डक्ट बन जाएगी। अब बाइल डक्ट जब यहां से पेनक्रियाटिक डक्ट को उसके साथ हाथ मिला लेगी, ज्वाइन कर लेगी, तो क्या बन जाएगी, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बन जाएगी। और ये यहां पे आके थोड़ा सा ना खुल्लापन दिखाती है, जिसको एम्पुला बोलते हैं, एम्पुला ऑफ वेटर जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक स्पिंक्चर यहां पे स्पिंक्चर ऑफ बॉयडन जो बाइल जूस को कंट्रोल करता है, एक स्पिंक्चर यहां पे है जब ये है ना ड्यूडनम में खुलेगी, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, यहां पे है स्पिंक्चर ऑफ ओडाई जो कि है ना देखने से ही पता लग रहा है कि पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस को कंट्रोल करेगा। इससे ज्यादा इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये अल्टीमेट आपका डायग्राम है, इसको दिमाग में अच्छा लीजिए, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं, देखो हम बार बार पढ़ रहे हैं कि लीवर जो है बाइल सिक्रीट करता है, तो अब हम देखने वाले हैं आखिरकार इस बाइल में होता क्या है और इसका फंक्शन क्या होता है। हम क्या पढ़ने वाले हैं, बाइल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम पढ़ना चाहते हैं बाइल जूस के बारे में, हम बार बार पढ़ रहे हैं कि लीवर जो है बाइल जूस की सिक्रीशन करता है। देखो बाइल और बाइल जूस एक ही बात है, बाइल जूस बनाता है लीवर, बाइल जूस बनाता है, तो एक बार देख लेते हैं तसल्ली से कि ये बाइल क्या है, ये आखिर बाइल क्या है, ठीक है। तो जिस तरीके से, जिस फ्लो में मैं आपको बताऊंगा, इस फ्लो में अगर आप इसको कर लेते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखिए बाइल जूस के बारे में आपको सिर्फ चार ही बातें ध्यान में रखनी है, नंबर एक यहां पे होगी अपनी, नंबर दो यहां पे होगी, नंबर तीन यहां पे होगी और नंबर चार यहां पे होगी, ठीक है। सिर्फ चार ही बातें आपको ध्यान में रखनी है, है ना, कि बाइल जूस में होता क्या क्या है वो हम देखना चाहते हैं। पहला पॉइंट, बाइल जूस में होते हैं बाइल सॉल्ट्स। कलाकारी देख रहे हो, आई छोटा लिख दिया, बाकी सारे बड़े लिखे, बाइल सॉल्ट्स पहला पॉइंट हो गया, इसको डब्बे में बंद कर देते हैं, बाइल सॉल्ट्स को।
दूसरा पॉइंट, इसमें होते हैं बाइल पिगमेंट्स, इसमें होते हैं बाइल पिगमेंट्स, पिगमेंट्स, ये हो गया दूसरा पॉइंट। डिटेल में भी करेंगे, टेंशन मत लो, अभी तो मैं सिर्फ लिख रहा हूं। तीसरा पॉइंट, इसमें होते हैं कोलेस्ट्रोल, इसमें होते हैं स्पेलिंग गलत नहीं हुई थी, जान के लिखा था, कोलेस्ट्रोल और लेसिथिन, कोलेस्ट्रोल एंड लेसिथिन, इसको डब्बे में बंद कर देते हैं। और लास्ट अपना पॉइंट है कि इसमें थोड़ा इधर मोड़ देते हैं, ऐसे एंजाइम्स नहीं पाए जाते, थोड़ा मोटा हो रहा है पेन, थोड़ा पतला करते हैं, एंजाइम्स नहीं पाए जाते, इसको भी डब्बे में बंद कर देते हैं, बाइल जूस में एंजाइम नहीं पाए जाते। सिर्फ यही पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, ये चार पॉइंट, एक बाइल सोल्ट्स, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रोल, लेसिथिन और एंजाइम इसमें नहीं पाए जाते। यही तरीका है, बेस्ट बेस्ट यही तरीका है इन चीजों को पढ़ने का, मजा आ जाएगा जिसमें, ठीक है। अब देखिए हम बारी बारी से बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बाइल सोल्ट्स के बारे में बात करना चाहते हैं। देखो बाइल सोल्ट्स जो होते हैं वो यहाँ पे दो तरीके के हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं ना, इनऑर्गेनिक बाइल सोल्ट्स एंड ऑर्गेनिक बाइल सोल्ट्स। अब इनऑर्गेनिक कौन से होंगे, इनऑर्गेनिक होंगे सोडियम, देखो याद रखना तीनों ही सोडियम के हैं, तीनों, तीन सोल्ट बताऊंगा, तीनों ही सोडियम के हैं, एक यहां पे दो यहां पे, ये होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, इनऑर्गेनिक होगा, बाइकार्बोनेट है ना, नाम से ही पता लग रहा है इनऑर्गेनिक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट का फंक्शन क्या है, देखो इस टाइप के चैप्टर में बाई कार्बोनेट जहां भी आ जाए ना उसका मतलब समझ लेना कि वो पीएच को मेंटेन करता है, मेंटेन पीएच, बाई कार्बोनेट का मतलब पीएच को मेंटेन करेगा जहां भी आ जाए, मेंटेन पीएच है ना, मेंटेन पीएच मतलब इसको बफर करके भी आप लिख सकते हो, बफर, बफर का काम करता है, ठीक है। ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि इनऑर्गेनिक बाइल सोल्ट है। अब ऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं, तो ऑर्गेनिक में अपने को दो सोल्ट याद रखने हैं, एक तो होगा सोडियम, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, मैं फिर से बोल रहा हूं, लीवर को पढ़ने का, बाइल जूस को पढ़ने का ये सबसे प्रिसाइज तरीका है, इसी तरीके से मजा आ जाएगा, बिल्कुल चीजें है ना कंफ्यूजन नहीं होगी, एकदम क्लियर होके आएंगी कि ये अपने को पढ़ने था, ऐसे ऐसे था। एक है सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम टोरो कोलेट, मैंने आपको बोला था कि तीनों सोडियम के होंगे, इधर सोडियम बाइकार्बोनेट, इधर सोडियम ग्लाइकोकोलेट, इधर सोडियम टोरोकोलेट। अब यहां पे इनका फंक्शन क्या रहता है, दोनों दोनों के फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, दोनों के ही फंक्शन की बात कर रहा हूं, इनका फंक्शन क्या रहता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब ये इमल्सिफिकेशन क्या होता है ये हम बाद में बात करेंगे, अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। और कितनी आसानी से मैंने यहां पर स्पेलिंग भी गलत कर दी है, इमल्सिफिकेशन फैट, जब लिखते लिखते बीच में बोलने लगता हूं ना पक्का स्पेलिंग में है ना, मेरा दिमाग एक ही जगह पे चलता है, फिर बोलने पे ही स्पेलिंग पे सब भूल जाता हूं, खासकर जैसे स्पिंक्चर की स्पेलिंग है वो तो मैं हमेशा ही गलत रखता हूं, तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। तो इनका फंक्शन है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, देख लीजिए एक बार बातें कितनी क्लियर चल रही हैं अपनी, कि बाइल जूस में चार चीजें अपने को पढ़नी है, बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रोल, लेसिथिन और एंजाइम इसमें नहीं होते। पहली चीज हमने देखी कि बाइल सॉल्ट्स, बाइल सॉल्ट्स अब क्या है, दो तरीके के हो सकते हैं, एक इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, एक ऑर्गेनिक हो सकते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक में हमने कौन से सॉल्ट्स देखे, सोडियम बाइकार्बोनेट का फंक्शन भी हमने देख लिया, मैंने आपको बोला कि जहां भी बाइकार्बोनेट आ जाए ना तो उसका फंक्शन आपको चाहे किडनी वाला चैप्टर है चाहे यहां पे क्या मिलेगा कि पीएच को मेंटेन करता है, बफर का काम करता है। फिर हमने ऑर्गेनिक सोल्ट्स देखे, दो देखे, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, ठीक है, जिसका फंक्शन है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है वो यहां पे अपने को ध्यान में नहीं रखना है, वो आगे मैं अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। और मैंने ट्रिक भी बताई आपको कि भाई ऐसे याद रख लेना, बाइल सोल्ट जो थे तीन थे,
थे, तीनों सोडियम के थे। अब सोडियम बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट को तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो ये इनऑर्गेनिक हो जाएगा और ये ग्लाइकोकोलेट टोरोकोलेट ऑर्गेनिक सोल्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, अब हम बाइल पिगमेंट्स की बात करते हैं, तो बाइल पिगमेंट्स जो होंगे वो भी अपने को दो पढ़ने हैं। बाइल पिगमेंट्स दो होते हैं, कौन से, एक होता है बिलरुबिन, नाम आपने सुनना भी होगा, बहुत फेमस है बिलरुबिन, एक होता है बिलीवर्डेन, एक बिलरुबिन एक बिलीवर्डेन, और इनका कलर आपको जरूर याद रखना है, बिलरुबिन होता है येलो कलर का, इसी की वजह से पीलिया, पीलिया मतलब जोंडिस है ना, पीला पीला, वो चीज भी इसी की वजह से होता है, और बिलीवर्डेन होता है ग्रीन कलर का, ये होता है ग्रीन कलर का। अब देखिए, ये तो हमने देख लिया कि भाई बाइल पिगमेंट जो है वो दो हैं, कौन से, एक बिलरुबिन एक है बिलीवर्डिन। ठीक है, अब ये दोनों एक तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ये दोनों ही क्या हैं, एक तरीके से वेस्ट हैं, वेस्ट भी बोल सकते हो और इनको टॉक्सिक भी बोल सकते हो, टॉक्सिक भी है प्लस वेस्ट भी है, मतलब इनको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है, टॉक्सिक या फिर वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। तो आपका सवाल होना चाहिए कि जो ये वेस्ट है, टॉक्सिक प्रोडक्ट है, ये बने कैसे हैं, कहां से बने हैं, ना बिलरुबिन बिलीवर्डिन कहां से बने हैं, तो ये दोनों बने हैं ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, के टूटने से ये बनते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन से ये बनते हैं, दोनों ही वेस्ट हैं, दोनों ही टॉक्सिक हैं, है ना। अब बॉडी से इनका बाहर निकलना जरूरी है, अगर ये बॉडी में रह गए मतलब बाहर नहीं निकले तो अपने को बीमारी हो जाएगी, जो जॉन्डिस वॉन्डिस पीलिया जो है वही इसी की वजह से होता है। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, देखो इनको लीवर क्या करता है, हीमोग्लोबिन जब टूटा, हीमोग्लोबिन के टूटने से ये दोनों बने, है ना, तो ये बनते ही लीवर ने क्या कर लिया, इनको कैप्चर कर लिया। अब लीवर ने इनको कैप्चर कर लिया, इसीलिए हम इनको लीवर में पढ़ रहे हैं, बाइल जूस में पढ़ रहे हैं। अब लीवर ने इनको कैप्चर कर लिया तो ये बाइल जूस जाना कहां पे है, ड्यूडनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है, तो प्लान तो ये है लीवर इनको कैप्चर करके स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल देगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर ये बॉडी से बाहर चले जाएंगे, बॉडी से बाहर इनको भेजने का अपना मकसद है टॉक्सिक चीजों को। ये बात अपने को समझ में आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन। यहां पे सिर्फ आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन होता है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। जो ये लेसिथिन है ये किसमें काम आता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। लेसिथिन है जो वो किसमें काम आता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब फिर से वही बात है, देखो यहां पे एक बार फिर से आया था ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है, इसको हमें यहां पे नहीं सोचना है, ये आगे अपना क्लियर होगा। और ये है एंजाइम इसमें नहीं होते, मतलब क्या है, जो बाइल जूस है उसमें एंजाइम नहीं पाए जाते। देखो हमने गैस्ट्रिक जूस पढ़ा था, स्टमक वाला जूस है ना, उसमें एंजाइम बहुत सारे पाए जाते हैं। पैनक्रियाटिक जूस होता है उसमें भी एंजाइम पाए जाते हैं बहुत सारे। सलाइवरी जूस बोल लो, वहां एंजाइम पाए जाते हैं। मतलब एक अकेला बाइल जूस ही ऐसा जूस है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं इसको मैं इंप्रोवाइज करके, कि डाइजेशन वाले चैप्टर में एक बाइल जूस ही अकेला ऐसा जूस है जिसमें एंजाइम नहीं पाए जाते, बहुत बढ़िया बात पता चली। ठीक है, ये बातें अपने को पता चल गई। अब यहाँ पे एक पीएच का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बाइल जूस की पीएच कितनी होती है, तो पीएच इसकी एल्कलाइन साइड होती है, एल्कलाइन साइड। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, अगर आपसे पूछ लिया जाए इनकॉमन आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बाइल जूस जो है उसका फंक्शन क्या होता है ना, आप बोलोगे कि फंक्शन क्या बताएं हम, कि ये पीएच वाला बताएं, ये बताएं या ये बताएं, क्या बताएं फंक्शन, तो बाइल जूस का इनकॉमन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसका आंसर जाएगा कि बाइल जूस का फंक्शन होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल जूस का क्या फंक्शन होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इनकॉमन पूछ लिया जाए। बट ऐसे स्पेसिफिक करके पूछा जाए कि सोडियम बाइकार्बोनेट का बाइल जूस में क्या फंक्शन है, तो आप स्पेसिफिक आंसर दोगे, है ना, और इनका तो काम ये है ही, इनका तो है ही, है ना, और यहां पे तो कुछ इनका फंक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो वेस्ट है, ये तो बॉडी से बाहर निकलने हैं, तो ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट है, और ये पीएच को मेंटेन करता है। इनकॉमन पूछ लिया जाए कि बाइल जूस का क्या फंक्शन होता है, तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट ही आंसर जाएगा।
तो ये अपना टोटल लीवर था। लीवर में इससे ज्यादा आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये जो है आपके सामने है। पूरा लीवर एक बार देख लेते हैं, पूरा लीवर हम कर चुके हैं। यहां से हमने लीवर की स्टार्टिंग की थी, इंट्रोडक्शन किया था, फिर ये डायग्राम से उसकी लोकेशन समझी थी, फिर हमने देखा था लीवर में कैसे लोब्यूल्स होते हैं, कैसे लोब्स होते हैं, कैसे सेल्स होती हैं जो बाइल सिक्रेट करती हैं, गोल ब्लैडर में स्टोर होता है, और ये हमने एक फ्लो चार्ट बनाया था, और ये हमने डायग्राम से सारी डक्ट्स को समझा था, है ना, कौन सी डक्ट कैसे है, कैसे कहाँ पे कौन सा स्पिंक्चर है, ये समझा था। फिर हमने, है ना, कि लीवर जो अल्टीमेटली बाइल जूस की सिक्रीशन करता है, तो हमने देखना चाहा कि आखिरकार इस बाइल जूस में होता क्या है, और उसको हमने बड़े ही प्रिसाइज तरीके से कवर कर लिया। ठीक है, तो ये लीवर अपना कंप्लीट है। तो इस लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में, शायद नेक्स्ट लेक्चर में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना, डाइजेशन हम करेंगे, या उससे आगे थोड़ा एक 20 मिनट का बचेगा, अगर नहीं भी हुआ तो कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर में हो जाए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।